हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोलॉजी क्लास 12th। और ये ओके, बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 16, एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पे कुछ पढ़ेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में, एनवायरमेंट को लेकर के कुछ क्या क्या इश्यूज हैं और उनको सॉल्व करने के लिए कुछ तरीके अपनाए गए। तो आओ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या क्या टॉपिक लेके आई है और किन किन टॉपिक को लेकर के बात करेगी। तो एनवायरमेंटल इश्यूज स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है ये? नाउ कह रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन साइज हैज ग्रोन इनॉर्मसली, बहुत ज्यादा बढ़ गई है ओवर द लास्ट 100 ईयर्स, पिछले 100 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दिस मीन्स इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड, वाटर, होम इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, ऑटोमोबाइल्स एंड न्यूमरस अदर कॉमोडिटीज। इसका मतलब क्या है कि डिमांड भी बढ़ गई है खाने की, पानी की, घर की, इलेक्ट्रिसिटी की, रोड की, ऑटोमोबाइल्स की एंड न्यूमरस अदर कॉमोडिटीज। कॉमोडिटीज मतलब होता है जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरतमंद होती है ना, जैसे साइकिल है, गाड़ियां हैं, ये सब चीजें हैं। दीज डिमांड्स आर एग्जर्टिंग, एग्जर्ट मतलब डाल रही हैं, ट्रिमंडस प्रेशर ऑन अवर नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? वुड, लकड़ियां हैं, पानी है, ठीक है ना। हम लोग जो खदान से माइंस खोद रहे हैं, ये हमारे क्या नेचुरल रिसोर्सेज, संसाधन जिसके ऊपर हम लोग डिपेंड है। ये जो डिमांड्स है एग्जर्ट कर रही है, डाल रही है ट्रिमंडस प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही है ऑन अवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन। अच्छा, ये तो है, ये साथ में अगर हम माइनिंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा, लकड़ियां काट रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है बहुत ज्यादा, पॉल्यूशन, तो ये सब चीजें एक और क्या कंट्रीब्यूट कर रही हैं? पॉल्यूशन। डिमांड नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर पड़ रही है, साथ साथ में पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। किसका? एयर का, वाटर का और सॉइल का, है ना। जितनी भी गंदगी होती है धुएं से हवा में जा रही है, गंदे नाले नदियों और नदियों में डाल दिए जा रहे हैं इस तरीके से। द नीड ऑफ द आर इज टू चेक द डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ अवर प्रीसियस नेचुरल रिसोर्सेज। जो आज के समय की डिमांड है वो क्या? चेक, रोकना। क्या रोकना है? डिग्रेडेशन, जो चीज बर्बाद हो रही है और डिप्लीट हो रही है, खत्म हो रही है, अवर प्रीसियस नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे कीमती नेचुरल संसाधन। अब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अच्छा रिसोर्सेज समझ में आ गया ना, संसाधन जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो नेचुरली अवेलेबल है। एंड पॉल्यूशन विदाउट हाल्टिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट भी ना रुके और ये चीज पॉल्यूशन और नेचुरल रिसोर्सेज भी क्या हो, खत्म होने से बच जाए। तो बात समझ में आ रही है? तो यही सब बातें होने वाली इस चैप्टर में। सिंपल चैप्टर है, जनरल बातें होंगी, डाटा बेस ये भी चैप्टर है हमारे पास। पॉल्यूशन इज एनी अनडिजायर, पॉल्यूशन क्या है? कोई भी अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम नहीं चाहते हैं, ठीक है, जिसको जिसकी हमारी चाहत नहीं है, डेट इज अनडिजायरेबल। एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल। तो इसको मार्क कर लेंगे। अनडिजायरेबल चेंज किस में हो सकता है? फिजिकल में, केमिकल नेचर में, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, किसकी? एयर की, लैंड की, वाटर की या सॉइल की, कोई एक उठाते हैं। एयर, एयर में फिजिकल नेचर है ना, उसके अंदर कोई दूसरे डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं। केमिकल नेचर, कुछ हार्मफुल केमिकल्स आ रहे हैं। बायोलॉजिकल, बैक्टीरिया, वायरस आ रहे हैं। तो किस इस टाइप के चेंजेस अगर आ रहे हैं जो हम नहीं चाहते हैं, जैसे अभी क्या था, कुछ दिनों पहले कोरोना चल रहा था, ठीक है ना। खैर वो एयर में तो नहीं था, एयर में होता तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो ये इस टाइप से क्या है? पॉल्यूशन है ये। एजेंट की बात करें, एजेंट्स दैट ब्रिंग अबाउट सच एन अनडिजायरेबल चेंज आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट। जो एजेंट ये चेंज लेके आते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट। जैसे कि मान लो कोई हार्मफुल केमिकल उसमें आ गया एयर में, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? वो पॉल्यूटेंट है, ठीक है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसको रोकने के लिए ना, जैसे गाड़ियों में चेकिंग होती है पॉल्यूशन का, देखा होगा तुम लोगों ने, ट्रैफिक पुलिस चेक करती है कि आपकी गाड़ी से पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है तो चालान कट जाता है। तो ये किसके तहत हो रहा है? ये इसके तहत हो रहा है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इसी तरीके से बहुत सारी और भी चीजें हैं, मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में कौन कौन चीजें आ गई? एयर, वाटर एंड सॉइल। तो ये एक्ट लाया गया जिससे कि हम लोग अपने एनवायरमेंट की क्वालिटी को क्या कर सकें? इंप्रूव कर सकें। क्लियर है? चले आगे। ओके, नाउ सबसे पहले बात होगी एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। एयर पॉल्यूशन और उसके कंट्रोल को लेकर के हम लोग कुछ बातें करेंगे। तो क्या कह रहा है? वी आर डिपेंडेंट ऑन एयर फॉर अवर रेस्पिरेटरी नीड, है ना, सांस लेने वाली जितनी चीजें हैं उससे डिपेंड है। एयर पॉल्यूटेंट कॉज इंजरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एयर पॉल्यूटेंट हर टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है।
दे रिड्यूस ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप. अच्छा अब कर क्या रही है, पहली बात एयर पॉल्यूशन कॉज इंजरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. मार्क कर लेंगे इस बात को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सबको क्या करती है, इंजरी यानी कि नुकसान पहुंचा रही है. थोड़ा सा मार्कर पतला कर लिया जाए. ओके आगे आते हैं. अब क्या कह रहा है, अब करती क्या है ये, दे रिड्यूस ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप एंड कॉज प्री मैच्योर डेथ ऑफ प्लांट. अगर प्लांट के केस में बात कही जाए, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, प्लांट्स के केस में एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट की बात कर लें, इस तरह से मार्क कर लो. इफेक्ट में क्या क्या आ गया, प्री मैच्योर डेथ, ग्रोथ कम हो जाएगी और उसकी यील्ड कम हो जाएगी ना, जो वो फ्रूट फ्रूट दे रहा है उसकी यील्ड कम हो जाएगी. बात समझ में आई, ये इफेक्ट ऑन प्लांट्स आ गए. एयर पोल्यूटेंट्स आल्सो डिलीटेरियसली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन. डिलीटेरियसली जबरदस्त तरीके से, खतरनाक तरीके से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको भी अफेक्ट कर रहा है. एंड एनिमल्स यानी कि ह्यूमन और एनिमल्स के, ऑब्वियसली बात हम सांस लेते हैं, गंदी हवा जाएगी तो हमारा लंग्स में जाकर के पॉल्यूटेंट जमा होंगे और हमारे लंग्स क्या होंगे, अफेक्ट होंगे. तो यानी कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो अफेक्टेड हो जाएगा. फिर क्या कह रहा है, हार्मफुल इफेक्ट्स डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एंड द ऑर्गेनिज्म. एयर के जो हार्मफुल इफेक्ट है, ये भी एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, हार्मफुल इफेक्ट किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, डिपेंड करता है कि पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन कितना ज्यादा है. मान लो कोई गैस है जो कि पॉइजनस है, बहुत ज्यादा है तो तुरंत असर करेगी, बहुत थोड़ी सी है तो उतना इफेक्ट नहीं आएगा, आदमी बेहोश हो सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा है तो डेथ भी हो सकती है. अब सपोज पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन तो कम है लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर बहुत लंबे समय, तो रोज सूंघ रहा है ना, कोई माइंस में काम करता है तो हमको पता ही है, ये बात क्लास 11 में पढ़ी थी, माइंस में काम कर रहा है लगातार, उसको वहां पे सूंघ रहा है जहरीली गैस, या जो ग्राइंडिंग वाले पत्थर काटने वाली जगह होती है वहां पे लगातार वो कंकड़ कहां जा रहे हैं, सूंघ सूंघ के लंग्स में जा रहे हैं. तो ड्यूरेशन लंबे समय तक अगर एक्सपोजर रहेगा, या एंड द ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा सा भी नहीं झेल पाते हैं, कुछ होते हैं लंबे समय तक झेल जाते हैं. तो इन तीनों चीजों पर क्या होगा इफेक्ट, है ना, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट डिपेंड करता है. ये डिपेंडेंसी आ गई, किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा. क्लियर है, तो कहां से क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं मैं बताता चल रहा हूं, कैसे क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं वो समझाता चल रहा हूं मैं. नाउ स्मोक स्टैक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स, स्मेल्टर्स एंड अदर इंडस्ट्रीज रिलीज पार्टिकुलेट एंड गैसेस एयर पॉल्यूटेंट टूगेदर विद हार्मलेस गैसेस सच एज नाइट्रोजन ऑक्सीजन एटसेट्रा. तो कह रहा है स्मोक स्टैक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट यानी कि जो स्मोक स्टैक्स जो कि थर्मल पावर प्लांट है वहां से जो स्मोक निकल रहा है, स्मेल्टर्स एंड अदर इंडस्ट्रीज जो दूसरी इंडस्ट्रीज है, यानी कि ओवरऑल बात यहाँ पर किसकी हो रही है, वो सारी इंडस्ट्रीज जो हवा में धुआं निकाल रही हैं, जो हवा में धुआं निकाल रही हैं, ठीक है, उनके धुएं में कुछ तो पार्टिकुलेट, पार्टिकुलेट का मतलब होता है सॉलिड डस्ट पार्टिकल, है ना, जैसे कि हम लोग क्या होता है, तुम लोगों ने देखा होगा कि कैंडल लो, कैंडल के ऊपर ऐसे लोहा रखो तो काला पड़ जाता है ना लोहा, कार्बन, ब्लैक कार्बन, तो वो सॉलिड पार्टिकुलेट है, ठीक है. उसके साथ साथ गैसेस एयर पॉल्यूटेंट, कुछ पॉल्यूटेंट भी रिलीज करता है टुगेदर विद, और साथ साथ में कुछ हार्मलेस गैस भी रिलीज होती है सच एज नाइट्रोजन ऑक्सीजन. अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिलीज हो रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन सॉलिड पार्टिकुलेट, ये जो पार्टिकुलेट रिलीज हो रहे हैं और एयर पॉल्यूटेंट रिलीज हो रहे हैं, ये क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं. अब These pollutants must be separated, public filter out before releasing the harmless gases into the atmosphere. कह रहा है ये जो pollutant है इनको पक्का मतलब हवा, मतलब जब ये गैस निकलती है ऊपर तो हम चाहेंगे कि गैस जब निकले तो harmless gases तो निकल जाए, ठीक है, और जो harmful gases हैं वो यहीं की यहीं रुक जाएं, और या जो particulate है वो उसी चिमनी के अंदर रह जाए, वो बाहर ना निकले, वही कहना चाह रहा है यहां पर. दिस पॉल्यूटेंट मस्ट बी सेपरेटेड, इनको अलग करना है या फिल्टर आउट करना है बिफोर रिलीजिंग द हार्मलेस गैसेस. हार्मलेस गैसेस को रिलीज करने से पहले ये चीजें, पर्टिकुलेट और पॉल्यूटेंट, इनको सेपरेट कर लेना है. तो इसको सेपरेट करने के कुछ तरीके हैं, आओ देखते हैं क्या कह रहा है ये. देर आर सेवरल वेज ऑफ रिमूविंग पर्टिकुलेट मैटर. पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के कई सारे तरीके हैं. द मोस्ट वाइडली यूज्ड व्हिच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. मार्क करेंगे इसको,
सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, फिगर 16.1 इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कह रहा है विच कैन रिमूव ओवर 99% पर्टिकुलेट मैटर। अभी समझेंगे इसको कैसे करता है, तो 99% लगभग रिमूव कर देता है, प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब जहां से चिमनी से धुआं निकल के बाहर जा रहा है, फ्रॉम ए थर्मल पावर प्लांट। अब 99% देखो 100% नहीं कर रहा, 99% कर रहा है। अब क्या कह रहा है, इट हैज इलेक्ट्रोड वायर दैट आर मेंटेन्ड एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट। अब इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, इसके अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रोड वायर होती है, इसको ऐसे समझेंगे, क्लीन एयर, ओके, डिस्चार्ज कोरोना, डस्ट पार्टिकल, कलेक्शन ऑफ प्लेट अंडरग्राउंड इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि चीज़ों को ऐसे समझा रखा है, तो देखो यहाँ पर है क्या, ये डायग्राम ऐसा कर दिया। अब इसको ऐसे समझो कि जब जो चिमनी का मुंह होगा, अब ऐसा ऐसा कर लो चिमनी का मुंह, चाहे इन्होंने चिमनी का मुंह सपोज ऐसे घूम के ऐसे जा रहा है चिमनी का मुंह, है ना, और ये हवा कहाँ निकलेगी, ऊपर निकल जाएगी, और यहाँ पे धुआं जा रहा है अंदर, तो इसके अंदर, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर क्या लगा हुआ है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड वायर, यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, ये नेगेटिवली चार्ज्ड वायर, ठीक है ना। मतलब एक तरह से हम समझ सकते हैं इसके अंदर ना, एक तरह से हम अपनी समझने के लिए कर लेते हैं, जाली टाइप लगी रहती है, कैसी लगी रहती है, जालियां लगी रहती हैं वायर की, और इनका जो वोल्टेज होता है ये साफ साफ कह रहा है सेवरल थाउजेंड वोल्ट पे मेंटेन करके रखते हैं। अब इन जालियों से जब ये एयर पार्टिकल क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल गुजरते हैं, ये इतने हाई वोल्टेज में होते हैं कि उन डस्ट पार्टिकल को क्या कर देंगे, ये आयनाइज कर देंगे, क्या कर देंगे, आयनाइज कर देंगे। तो देखो क्या कह रहा है, मेंटेन्ड एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट विच प्रोड्यूस अ कोरोना। कोरोना मतलब क्या होता है पता है ना, कोरोना वही होता है जब तुम दो वायर को पास लेके आते हो तो स्पार्क सा निकलता है, दैट इज कॉल्ड कोरोना, ठीक है ना, यानी कि एक तरह से चार्ज, डिस्चार्ज ऑफ चार्जेस, चार्जेस का निकलना, प्रोड्यूस कोरोना, ठीक है ना, दैट रिलीज इलेक्ट्रॉन, उन चार्जेस में कौन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दिस इलेक्ट्रॉन अटैच टू डस्ट पार्टिकल, ठीक है, यानी कि यहां पर जो ये कोरोना निकल रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स जा करके क्या कर रहे हैं, डस्ट पार्टिकल, है ना, डिस्चार्ज कोरोना और नेगेटिवली चार्ज वायर ये अंदर है, यहां से कोरोना निकल रहा है, ये डस्ट पार्टिकल है, इन डस्ट पार्टिकल के ऊपर जाकर के ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चिपक जा रहे हैं, यानी कि अब आगे जो इलेक्ट्रॉन डस्ट पार्टिकल, मान लो डस्ट पार्टिकल है, तो इसके ऊपर क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन आकर के ऐसे चिपक गया, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा ये डस्ट पार्टिकल कैसा हो गया, अब नेगेटिवली चार्ज, बात समझ में आई, ठीक है। कोरोना, कोरोना मतलब क्या हो गया, चार्जेस निकाल रहा है वो, ठीक है, वो चार्ज जाकर के डस्ट पार्टिकल में चिपक जा रहे हैं, डस्ट पार्टिकल कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये बात समझ में आई, मेरे ख्याल से बात यहां तक समझ में आ गई होगी, आगे आते हैं, ओके। अब डस्ट पार्टिकल गिविंग देम नेट नेगेटिव चार्ज, कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गए, वो नेगेटिव चार्ज हुए कि नहीं हुए इलेक्ट्रॉन की वजह से, ओके। द कलेक्टिंग प्लेट आर ग्राउंडेड एंड अट्रैक्ट द चार्ज डस्ट पार्टिकल। आगे जाकर के क्या होता है, कलेक्टिंग प्लेट होती है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, आगे जाकर के हमारे पास क्या है, कलेक्टिंग प्लेट है, इस तरीके से मान लेते हैं कि यहां पर, जस्ट समझने के लिए कि कलर दूसरा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, यहां पर क्या है, कलेक्टिंग प्लेट्स हैं इस तरीके से, ठीक है ना, कलेक्टिंग प्लेट है, और ये कैसी हो रखी है, पॉजिटिव चार्ज होंगी, तो ये क्या करती है, नेगेटिव चार्ज वाले को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेंगी, और डस्ट पार्टिकल क्या होंगे, ये खिंच जाएंगे। यहाँ पर दिमाग में अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये, ठीक है ना, डायग्राम थोड़ा सा अलग हो सकता है, मेन डायग्राम जो अंदर रियल का होता है, ये सब बात समझने के लिए यहाँ पर है, ठीक है। तो कह रहा है द कलेक्टिंग प्लेट्स आर ग्राउंडेड, वो ग्राउंड हो रखी होती है, जमीन से जुड़ी हुई रहती है, अट्रैक्ट द चार्ज पार्टिकल, चार्ज डस्ट पार्टिकल, चार्ज डस्ट पार्टिकल क्या कर रही है, ये अट्रैक्ट करती है, ओके। द वेलोसिटी ऑफ एयर बिटवीन द प्लेट मस्ट बी लो इनफ टू अलाउ द डस्ट टू फॉल, बहुत तेज वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए कि निकल जाए, इतनी होनी चाहिए कि ये अट्रैक्ट करके इसे नीचे गिरा ले, अपने पास में बुला ले, ठीक है, इनफ टू अलाउ द अ स्क्रबर। यहां तक कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई, डस्ट पार्टिकल अलग हो गए हैं, अब आगे स्टार्ट हो रहा है स्क्रबर की कहानी, क्या है ये स्क्रबर, आओ समझे, डस्ट पार्टिकल का रिमूवल समझ गए कैसे होता है, डस्ट पार्टिकल को हम लोग ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डाल करके नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं और उसको सेटल करवा दे रहे हैं पॉजिटिव प्लेट्स के पास ले जा करके, कैन रिमूव गैसेस। अच्छा स्क्रबर क्या करता है, स्क्रबर का काम होता है गैसेस, ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, ठीक है ना, इसमें क्या था, इसने डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर दिया, स्क्रबर क्या कर रहा है, गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड,
इनको क्या करता है, रिमूव करता है। इन अ स्क्रबर द एग्जॉस्ट इज पास थ्रू अ स्प्रे ऑफ वाटर। जो एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट मतलब मैंने बताया वही चिमनी का मुंह। अब मान लो चिमनी का मुंह है जैसे, ठीक है, पर्टिकुलर मैटर तो यहां फिट हो गए। अब जो एयर है ये क्या जा रही है, ऊपर को जा रही है, इसके अंदर क्या डाला जा रहा है, वाटर या लाइम स्प्रे छोड़ी जा रही है। अब देखो पर्टिकुलर मैटर तो यहां पे सेट हो गए, मान लो यहां पे पर्टिकुलर मैटर तो निकल गए। अब बाकी गैस क्या जा रही है, ऊपर जा रही है। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऊपर जा रही है, ठीक है ना, आप इसको इमेजिन कर लो कि ये वाला पार्ट यहां पर है, या फिर ऐसे हम मान लेते हैं कि अब ये SO2 गैस ऊपर जा रही है। क्या जा रही है, SO2 गैस ये ऊपर जा रही है, बाकी डस्ट पार्टिकल निकल गए यहां पर। अब ये जब ऊपर जा रही है तो यहां पे क्या हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं, स्क्रबर द एग्जॉस्ट इज पास थ्रू अ स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम। लाइम पता ना क्या होता है, रिसेंटली वी हैव रियलाइज दैट डेंजर ऑफ पर्टिकुलर मैटर दैट आर वेरी वेरी स्मॉल एंड आर नॉट रिमूव्ड बाय दिस प्रेसिपिटेटर। ठीक है, अच्छा यहां पे वो कह रहा है स्क्रबर द एग्जॉस्ट इज पास थ्रू द स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम। ठीक है, पानी के साथ जब हम इसको मिला देते हैं ऊपर से, जब यहां से क्या गिरता है, पानी की ड्रॉप यानी कि H2O, तो ये गैस होती है, ठीक है ना, ये गैस जो होती है ये पानी के साथ मिल करके H2SO4 या H2SO3, ठीक है ना, ये क्या होती है, नीचे बैठ जाएगी। ये गैस से SO2 क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये गैस से SO2 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं, क्या कह रहा है, इन ए स्क्रबर द एग्जॉस्ट इज पास थ्रू अ स्प्रे ऑफ वाटर और लाइन। ठीक है, रिसेंटली वी हैव रियलाइज द डेंजर्स ऑफ पर्टिकुलर मैटर डेट आर वेरी वेरी स्मॉल एंड आर नॉट रिमूव्ड बाय दिस प्रेसिपिटेटर। हाल ही में हमने जाना कि कुछ पर्टिकुलर मैटर बहुत ही छोटे होते हैं जो इन स्क्रबर के थ्रू या इन प्रेसिपिटेटर के थ्रू रिमूव नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, फुल फॉर्म याद करेंगे, पर्टिकुलर साइज 2.5 माइक्रोमीटर्स और लेस इन डायमीटर, ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। मार्क कर लेंगे डाटा हमारे पास ये। दिस फाइन पार्टिकुलेट कैन बी इनहेल्ड डीप इनटू द लंग्स एंड कैन कॉज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम। अब ये वाले जो इन्हें, मतलब जितना रिमूव करना था हमने रिमूव कर दिया, उसके बाद ही कई बार कुछ बच जाते हैं तो वो बहुत डेंजर होते हैं, और डेंजर इतना है कि हमारा ब्रीदिंग प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी सिम्टम क्रिएट कर सकते हैं, इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज टू लंग्स एंड प्रीमैच्योर डेथ तक हमारी हो सकती है। तो ये बात उम्मीद कर रहा हूं तुम लोगों को समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं। क्लियर, तो यहां तक बातें सारी समझ में आ गई होंगी। आओ देखें आगे क्या चल रहा है, ये कि अब क्या कह रहा है ये, आओ समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है ऑटोमोबाइल्स आर मेजर कॉज ऑफ एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन एटलीस्ट इन द मेट्रो सिटी। ऑब्वियसली बात है, ऑटोमोबाइल की वजह से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है मेट्रो सिटीज, है ना। मेट्रो सिटीज का मतलब जैसे कि बड़ी जो डेवलप्ड सिटीज हैं, दिल्ली है, मुंबई है। एज अ नंबर ऑफ व्हीकल इंक्रीज, व्हीकल बहुत ज्यादा है ऑन द स्ट्रीट्स, ठीक है, दिस प्रॉब्लम इज नाउ शिफ्टिंग टू द अदर सिटीज टू। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, ये दूसरी सिटी में भी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स अलॉन्ग विद द यूज ऑफ लीड फ्री पेट्रोल और डीजल कैन रिड्यूस द पॉल्यूटेंट दे एमिट। अगर हम लीड फ्री पेट्रोल, पहले लीड का इस्तेमाल होता था, लीड एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, ठीक है, उसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। पहले पेट्रोल और डीजल में हम लोग क्या डालते थे, लीड डालते थे, कुछ वजह होती थी। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, उसे लीड फ्री कर दिया, क्योंकि जब पॉल्यूशन होता था, जो निकलता धुआं, उसमें लीड भी निकलती थी जो कि काफी पॉइजनस होती है। तो हम लोग कह रहे हैं यहां पर हमको क्या करना है, लीड फ्री पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करना है। कैन रिड्यूस द पॉल्यूटेंट दे एमिट, उससे पॉल्यूटेंट काफी हद तक रिड्यूस हो सकता है। कैटालिटिक कन्वर्टर, एक बात ये समझो, हैविंग एक्सपेंसिव मेटल नेमली प्लैटिनम एंड पैलेडियम एंड रोडियम एज द कैटलिस्ट आर फिटेड इनटू द ऑटोमोबाइल फॉर रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस। अब होता क्या है, गाड़ियों में अब लग के आ रहे हैं कुछ कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होते हैं, कुछ एक्सपेंसिव मेटल के बने होते हैं, जैसे कि प्लैटिनम है, पैलेडियम है या रोडियम है। ये क्या करेंगे, कैटलिस्ट का काम करते हैं, मतलब कोशिश करेंगे कि जो हमारा पेट्रोल है पूरी तरीके से बर्न हो जाए और हार्मफुल गैसेस ना निकले। जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ओके है, लेकिन CO कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ी दिक्कत देगी। तो यानी कि जब हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन जले, ठीक है ना, तो वो CO में ना बदले बल्कि CO2 में ही निकल के बाहर आए। तो ये कैटलिस्ट करवाते हैं, मतलब रिएक्शन को कंप्लीट करवाते हैं। आओ देखिए इसमें आगे क्या बोल रहा है, एज द एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब होता है धुआं, यहाँ पे बात जो चीज निकल रही है बाहर, ठीक है ना, एज द एग्जॉस्ट पासिस थ्रू द कैटलिटिक कन्वर्टर, वो जो धुआं है कैटलिटिक कन्वर्टर पास हो रहा है,
अनबर्नट हाइड्रोकार्बन आर कन्वर्टेड इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. जो अनबर्नट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में साथ में H2O में. अब ये दोनों हार्मलेस है. ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पॉल्यूटेंट अप टू अ लेवल. चाहिए हमें ताकि अर्थ गर्म रहे, एक कंसेंट्रेशन के बाद वो पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है ना. एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड आर चेंज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैसेस. ध्यान रखना जो अनबर्नड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं CO2 में और वाटर में, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड गलती से बन गई है वो कन्वर्ट होती है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में. और नाइट्रिक एसिड अगर गलती से निकल रही है तो वो चेंज होती है नाइट्रोजन गैस में. तो नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या हार्मफुल है. तो अनबर्नड हाइड्रोकार्बन या मार्क कर लेंगे, हाइड्रोकार्बन ये CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 में कन्वर्ट होगा, नाइट्रिक एसिड अगर निकल रहा है गलती से तो ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है. किसके थ्रू, कैटालिटिक कन्वर्टर के थ्रू. क्लियर है, तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर. ओके, मोटर व्हीकल इक्विप्ड विद कैटालिटिक कन्वर्टर शुड यूज अनलीडेड पेट्रोल. इसको अगर ये कैटालिटिक कन्वर्टर यूज कर रहे हैं तो अनलीडेड पेट्रोल हमको यूज करना है. क्यों, क्योंकि जो लीड वाले पेट्रोल होते हैं वो इस कैटालिटिक कन्वर्टर को खराब कर देते हैं. बिकॉज लीड इन द पेट्रोल इनएक्टिवेट्स द कैटलिस्ट, इसीलिए हमें अनलीडेड पेट्रोल का यूज करना है. ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है. आगे आते हैं. इन इंडिया द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट केम इन टू द फोर्स इन 1981. तो इंडिया में एयर, हवा का पॉल्यूशन को रोकने का जो एक्ट था वो कब आया, 1981 में आया. बट वॉज अमेंडेड इन 1987. फिर उसको कुछ अमेंड किया गया, कुछ बातें और उसमें जोड़ी गई होंगी, जिसमें इंक्लूड किया गया नॉइज एज एन एयर पॉल्यूटेंट. अब ध्यान रखना 1987 में क्या अमेंडमेंट हुआ था, नॉइज को भी हमने एयर पॉल्यूटेंट मान लिया है ना. जो नॉइज है उसको भी हमने क्या माना कि बहुत ज्यादा शोर शराबा, वो भी एयर पॉल्यूटेंट है. अब कह रहे हैं नॉइज, नॉइज इज अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड. नॉइज का मतलब अनडिजायर्ड, जो हम नहीं चाहते हैं. जो बात कर रहे हैं वो एक अलग बात है, अब शोर हो रहा है जो हम नहीं चाहते हैं, सर में दर्द हो जाता है, ठीक है ना. तो नॉइज क्या है, अनडिजायर्ड लेवल ऑफ, हाई लेवल ऑफ साउंड है. वी हैव गॉट यूज्ड टू एसोसिएटिंग लाउड साउंड विद प्लेजर एंड एंटरटेनमेंट, नॉट रियलाइजिंग दैट नॉइज कॉजेज साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. ठीक है, तो क्या कह रहा है, वी हैव गॉट यूज्ड, हम लोग यूज करते हैं लाउड साउंड विद प्लेजर एंड एंटरटेनमेंट, है ना. डीजे बज रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं और हम लोग उसको क्या है, मजे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. बट देखो रियलिटी क्या है, नॉइज कॉज साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर. ये दिमागी तौर पर और हमारे बॉडी को डिस्टर्ब करने वाले डिसऑर्डर्स क्रिएट कर सकता है या करती है इन ह्यूमंस. द इन द बिगर सिटीज द बिगर द फंक्शन द ग्रेटर द नॉइज. जितना बड़ा फंक्शन होता है उतना ज्यादा साउंड होता है. अ ब्रीफ एक्सपोजर टू एक्सट्रीमली हाई साउंड लेवल 150 डेसिबल और मोर जनरेटेड बाय टेक ऑफ अ जेट प्लेन और रॉकेट मे डैमेज ईयर ड्रम. अगर तुम तभी ना एयरप्लेन जब टेक ऑफ लेते हैं जेट वगैरह उनके पास खड़े हो जाओ जाकर के, तो हो सकता है तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएं, इतना तेज साउंड होता है. ठीक है, तो कह रहा है 150 डेसिबल इससे ज्यादा अगर साउंड हो तो एक पल के लिए हो सकता है कान के पर्दे ईयर ड्रम फट जाएं. ठीक है, दस परमानेंटली इंपेयरिंग हियरिंग एबिलिटी. अब पर्दे फट जाएंगे तो कभी सुना नहीं देगा जिंदगी में. इवन क्रोनिक एक्सपोजर टू अ रिलेटिवली लोअर नॉइस. क्रोनिक बहुत लंबे समय तक आप लगातार साउंड को क्या सुन रहे हो, सुनते चले जा रहे हो. ठीक है, नॉइस लेवल ऑफ लोअर नॉइस लेवल ऑफ सिटीज में परमानेंटली डैमेज हियरिंग एबिलिटी ऑफ ह्यूमन. आजकल तुम लोग देखते होगे जैसे जैसे हम लोग की एज आती है 30, 35, 40, ठीक है ना, जितना अच्छा और साफ हम लोग एक 15-16 साल की उम्र में सुन लेते थे अब नहीं सुन पा रहे होंगे जो लोग 35-40 की एज में आ गए हैं. क्यों, ऐसा नहीं कि बुढ़ापा आ गया है. वहीं तुम्हें गांव के आदमी के पास चले जाओ, वहां इतना शोर शराबा नहीं है, तो उसके कंपैरिजन में और एक शहर के आदमी के कंपैरिजन में जो रोज, और सबसे बड़ी बात जो लोग मार्केटिंग करते हैं सुबह से निकल के शाम तक ट्रैफिक में ही है, उनका जो हियरिंग कैपेसिटी ना ऑल डाउन हो चुकी होती है लेकिन हमको पता नहीं चलता है. ठीक है, ये रियलिटी है. ठीक है, नॉइज ऑल्सो कॉजेज स्लीपलेसनेस. देखो सबसे बड़ी बात है ना, लोग क्या करते हैं, लगाया कान में लीड और देख रहे हैं रात को मूवी या कुछ अपने चीजें, वो जो साउंड लगातार जा रहा है फिर आदमी कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, और खासकर बच्चों वाली. तो इसीलिए कोशिश ये की जाए कान में लीड ना लगाते हुए, अगर देखना भी है तो दूर से,
कान में जब डायरेक्ट लीड लगती है तो सीधा साउंड हमारे ईयर ड्रम के पास रहता है, तो डायरेक्ट इफेक्ट आता है इसका। तो स्लीपलेसनेस, इंक्रीज हार्ट बीट, घबराहट होती है, अल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न, यही सब तो आजकल हो रहा है बच्चों में। क्या हो रहा है? घबराहट बच्चों में देखी जा रही है, बच्चों को नींद नहीं आ रही है, ब्रीथिंग पैटर्न बच्चों में सांस की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। दस कंसिडरेबली स्ट्रेसिंग ह्यूमन, और ये लगातार क्या कर रहा है, ह्यूमंस को स्ट्रेस डाल रहा है। तो इस तरीके से हमें समझना है कि नॉइज काफी खतरनाक है, इसको हल्के में ना लिया जाए, ठीक है ना। आगे आते हैं, कंसीडरिंग द मैनी डेंजरस इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, कैन यू आइडेंटिफाई द अननेसेसरी सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन अराउंड यू विच कैन बी रिड्यूस इमीडिएटली विदाउट एनी फाइनेंशियल लॉस टू एनीबॉडी। कह रहे हो क्या इतने सारे इफेक्ट देखे तुमने, अपने आसपास के नॉइज पोल्यूशन को तुम लोग चेक कर सकते हो, जो कि तुरंत हम लोग कम कर सकते हैं बिना किसी का फाइनेंशियल लॉस हुए। तो क्या कह रहा है, चेक कर लो, ये तुमसे चेक करने के लिए कह रहा है, तो क्वेश्चन पुट अप कर दिया तुम लोगों के लिए, ठीक है। रिडक्शन ऑफ नॉइज इन अवर इंडस्ट्रीज कैन बी अफेक्टेड बाय यूज ऑफ साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल और बाय मफलिंग साउंड, है ना। हम लोग क्या करेंगे, जो इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े साउंड होते हैं कि बाहर साउंड ना निकले, तो अंदर क्या लगा देंगे, साउंड को एब्जॉर्ब करने वाली चीजें लगा देंगे, जिससे कि साउंड एब्जॉर्ब होगी और बाहर सराउंडिंग में नहीं आएगी। स्ट्रिंजेंट फॉलोइंग मतलब कड़ाई से फॉलो करेंगे, एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे लॉ को। लेट डाउन इन रिलेशन टू नॉइज लाइक डिलिमिटेशन ऑफ हॉर्न फ्री जोन, है ना। कुछ हॉर्न फ्री जोन होते हैं स्कूल के आगे, अस्पतालों के आगे, ठीक है, अराउंड हॉस्पिटल्स एंड स्कूल। परमिसिबल साउंड लेवल ऑफ क्रैकर्स भी बने तो ऐसे बने कि उनका साउंड एक लेवल तक रहे, बहुत ज़्यादा धमाका ना हो। एंड अ लाउड स्पीकर, होता क्या है आजकल किसी के यहाँ पर कोई फंक्शन हो रहा है तो बर्थडे में पैदला उसने छत पे लगा दिया अपना, बज रहा है, आसपास वाले लोग परेशान हो रहे हैं, पैदला किसी घर में कोई मरीज भी है तो लोगों को परवाह नहीं है, ठीक है, तो वो बज रहा है। टाइमिंग आफ्टर विच लाउड स्पीकर कैन नॉट बी प्लेड, टाइमिंग सेट होनी चाहिए कि उसके बाद लाउड स्पीकर नहीं बजने चाहिए, एटसेट्रा। नीड टू बी इन्फोर्स, लाना चाहिए इसको, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन। ये सारे काम करने हैं हमको, क्या काम करने हैं, स्ट्रिक्ट लॉ लेके आने हैं जहाँ पर हमें उसकी लिमिटेशन करनी है कि हाँ हॉर्न फ्री जोन्स में हॉर्न नहीं बजेगा, जैसे कि हॉस्पिटल स्कूल, साउंड का एक लेवल सेट किया जाएगा, इससे ऊंचा साउंड नहीं होगा, ठीक है, लाउड स्पीकर की टाइमिंग सेट होगी कि इस टाइम पर लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। ये तमाम बातें क्या कर सकते हैं हम लोग, साउंड को रिड्यूस करने के लिए कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से इसका आंसर भी हमें यहाँ मिल जा रहा है, जो ये हम लोग आंसर ढूंढना चाह रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ से जो मेन क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास, वो क्वेश्चन यहीं पे आएगा, ये एक्ट कब आया था, ठीक है, ये साउंड थोड़ा डाटा है हमारे पास। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल दोनों डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं, और नॉइज की वजह से क्या क्या है बीमारियाँ, स्लीपनेसनेस, हार्ट बीट, ठीक है, अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न, ये कुछ दो चार चीज़ें हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बात बाकी तो इसमें ओके ओके डाटा मतलब बातें लिखी हुई हैं। आगे आते हैं, कंट्रोलिंग व्हीकुलर एयर पोल्यूशन अ केस स्टडी ऑफ दिल्ली। अब यहाँ पर एक केस स्टडी की बात कर रहा है कि कैसे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया दिल्ली ने, या दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको करने की कोशिश की। तो आप देखें समझें इसको, विद इट्स वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है ट्रैफिक का दिल्ली में, दिल्ली लीड्स द कंट्री इन दिल्ली लीड्स द कंट्री इन इट्स लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है ना, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन था यहाँ पे एयर का। इट हैज मोर कार देन द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड वेस्ट बंगाल पुट टूगेदर, दो स्टेट को मिला देते हैं उससे ज्यादा कार है यहाँ पर जो रोज चलती है। इन 1990s दिल्ली रैंक्ड फोर्थ अमॉन्ग द 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर आ गया था 41 पॉल्यूटेड सिटीज में। एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन दिल्ली बिकम सो सीरियस दैट द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, है ना, PIL आजकल डाली जाती हैं, पब्लिक ने अपनी तरफ से डाल दिया कि भाई पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, सरकार को आगाह करना पड़ेगा, नहीं सुन रहे तो PIL डाल दें, कोर्ट में डाल देंगे। अच्छा, कोई चीज़ अगर पब्लिक के हित में है तो कोई भी इंसान जा करके PIL डाल सकता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं आसपास, ये इससे आम पब्लिक का नुकसान है, कोर्ट उसको सुनता है और अगर चीज़ सही होती है तो उसको सख्ती से पालन करने के फिर आदेश देता है। तो PIL फाइल की गई कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, आफ्टर बीइंग सेंसर्ड वेरी स्ट्रांगली बाय द सुप्रीम कोर्ट, उसने काफ़ी अच्छे गौर से देखा और स्ट्रांगली क्या कहा कि हाँ वाकई में दिक्कत है। अंडर इट डायरेक्शन डायरेक्टिव्स द गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू टेक विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड अप्रोप्रिएट मेजर्स, उसने कहा सरकार से एक टाइम पीरियड सेट किया कि इतना टाइम पीरियड है कि स्पेसिफाइड एक ठीक ठाक कुछ लो, कुछ एक्शन लो जिससे कि चीज़ें कम हो, इंक्लूडिंग स्विचिंग ओवर द एंटायर फ्लीट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दैट इज बसेस फ्रॉम डीजल टू
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तुम लोगों ने देखा होगा 90s के आसपास दिल्ली में एकदम जबरदस्त तरीके से सारी जो डीजल गैसेस थी, डीजल बसेस थी, एकदम से सीएनजी गैस में कन्वर्ट हो गई। उसकी वजह यही थी, इसीलिए आज की डेट में दिल्ली में टोटल सीएनजी गैस सीएनजी बसेस पाई जाती हैं। यही एक चक्कर था उसका सबसे बड़ा। तो सीएनजी गैस क्यों एकदम से ला दी गई? तो कायदे में तो अब ये होता है, होना चाहिए पूरी कंट्री में लगा देनी चाहिए सीएनजी गैस, ताकि पॉल्यूशन कम से कम हो। ओके, आते हैं। तो सीएनजी गैस के ऊपर चलने वाली बसों को क्यों लाया गया था? ये 1990 में पीएल के चक्कर में हुआ था सारा कुछ। ऑल द बसेस ऑफ दिल्ली वर कन्वर्टेड टू रन ऑन सीएनजी, उनको सबको कन्वर्ट किया गया बाय द एंड ऑफ 2002। टारगेट सेट कर दिया गया, दिल्ली में कोई भी 2002 के बाद कोई भी बस डीजल से नहीं चलती नजर आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा दिल्ली में बसें चलती है। यू मे आस्क द क्वेश्चन एज टू व्हाई सीएनजी इज बेटर देन डीजल, सीएनजी डीजल से बेटर क्यों है? द आंसर इज दैट, इसका आंसर क्या है? सीएनजी बर्न्स मोस्ट एफिशिएंटली अनलाइक पेट्रोल और डीजल इन द ऑटोमोबाइल एंड वेरी लिटल ऑफ इट इज लेफ्ट अनबर्न्ड। क्या मतलब है? जैसे मैं तुमसे कहूँ कैंडल जलाओ, कैंडल जब जलता है धुआं करता है, काला काला करता है, वहीं तुम अपनी घर की गैस जलाओ, क्या वो धुआं करती है? नहीं करती है। क्या वो काला करती है? नहीं करती है। हाँ, जब गैस खत्म होने पर आती है, जब गैस वो येल्लो जलने लगती है लास्ट टाइम पर, तब बर्तन काला होता है। जब तक उसका फ्लेम ब्लू रहेगा वो बर्तन काला नहीं करती है, नोटिस करना इस चीज़ को। तो यही इसके साथ है, सीएनजी धुआं ना के बराबर, डीजल पेट्रोल के मुकाबले बहुत कम, ठीक है ना। कोई भी अनवांटेड पार्टिकल नहीं निकाल रही है, मतलब एयर को उतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं दे रही है, पॉल्यूशन नहीं दे रही है, या अनबर्न बचा हुआ पार्ट कुछ बचता ही नहीं इसके अंदर, सब पूरी तरीके जल जाती है। तो इसीलिए काफ़ी अच्छी गैस मानी गई है। तो बर्न होती है मोस्ट एफिशिएंटली अनलाइक पेट्रोल डीजल, डीजल पेट्रोल की तरह नहीं होती है ये इन द एटमॉल, वेरी लिटल ऑफ इट इज लेफ्ट अनबर्न, बहुत थोड़ा सा ही अनजला पार्ट बचता है, वरना सब ये क्या होता है, बर्न हो जाता है, ठीक है। मोर ओवर सीएनजी इज चीपर, सस्ती भी है देन पेट्रोल और डीजल, कैन नॉट बी शिफॉन्ड ऑफ बाय द थीफ्स। तुमने देखा होगा आजकल केस वगैरह कहने के वीडियोज वगैरह आ जाते हैं कि पेट्रोल का टैंकर आया किनारे खड़ा किया, लोगों ने उसमें से 25-30 लीटर डीजल या पेट्रोल निकाल लिया, उसमें कैरोसिन डाल दिया या कुछ मिलावट कर दी। सीएनजी गैस में ऐसा नहीं कर सकते आप, क्या मिलाओगे उसमें, संभावना ही नहीं है, है ना। तो शिफॉन्ड ऑफ बाय थीफ, चोरों के द्वारा चुराया नहीं जा सकता या मिलावट नहीं की जा पाएगी, ठीक है। अच्छा, शिफॉन मतलब होगा चुराना, और अडल्ट्रेटेड लाइक पेट्रोल, अडल्ट्रेट मतलब मिलावट करना, पेट्रोल की तरह मिलावट नहीं हो सकती उसमें, पेट्रोल डीजल की तरह। हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल लिया एक लीटर, उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दिया, सस्ती चीज, इसमें ऐसा नहीं हो सकता। तो ये 3-4 रीजन है कि क्यों सीएनजी बेटर है डीजल और पेट्रोल से। द मेन प्रॉब्लम विद स्विचिंग ओवर टू सीएनजी इज द डिफिकल्टी ऑफ लेइंग डाउन पाइपलाइन। सबसे ज्यादा मुश्किल यही आई थी कि पाइपलाइन बिछानी थी, हमें क्या बिछानी थी, पाइपलाइन टू डिलीवर सीएनजी थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, जहां जहां डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, जहां जहां सीएनजी के स्टेशन बनने थे वहां तक हमको पाइपलाइन बिछानी थी, पंप एंड इंश्योरिंग अनइंटरप्टेड सप्लाई, ताकि अनइंटरप्टेड सप्लाई चल सके। बस यही एक दिक्कत थी, बाद बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। साइमल्टेनियसली उसी समय उसी के साथ साथ पैरेलल स्टेप टेकन इन दिल्ली फॉर रिड्यूसिंग व्हीकुलर पॉल्यूशन, ठीक है, ये तो बस की बात होगी। उसी समय दूसरे जो व्हीकल थे उनके पॉल्यूशन को भी क्या किया गया, कंट्रोल करने के लिए क्या स्टार्ट किया गया, फेजिंग आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल, जो 10 साल या 12 साल पुराने व्हीकल हैं उनको क्या करना स्टार्ट किया गया, उनको चालान कटना या बिल्कुल सीज कर दिया, कि 10 साल या 15 साल से पुराने व्हीकल, क्योंकि उनका पॉल्यूशन ज़्यादा निकलता है गाड़ी से, उनको बिल्कुल सड़क पे चलने ही नहीं देना है। यूज ऑफ अनलीडेड पेट्रोल दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप हो गया ये, यूज ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है, ऐसा पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करना जिसमें सल्फर और सल्फर कम हो। यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन व्हीकल, वही व्हीकल इस्तेमाल होंगे सड़कों पर जिनमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होगा। एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट पॉल्यूशन लेवल नॉर्म्स, पॉल्यूशन के जो नियम है उनको एकदम स्ट्रिक्टली अलाउ किए लागू किए जाएं व्हीकल्स के लिए। तो ये सब मेजर्स लिए गए, वो जो PIL पड़ गई 1990 में, पूरी दिल्ली में पॉल्यूशन काफ़ी हद तक क्या हो सका, कम हो सका। बात समझ में आई? तो ये केस है, रियल में हुआ ऐसा, इसीलिए केस स्टडी है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू अ न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी हैज लेड आउट अ रोड मैप टू कट डाउन व्हीकुलर पॉल्यूशन इन इंडिया सिटीज, एक नया फ्यूल पॉलिसी लेके आई जिससे कि पूरी इंडिया में पॉल्यूशन को कम किया, व्हीकुलर पॉल्यूशन है ना, गाड़ियों से होने वाले पॉल्यूशन को कम कर सके। मोर स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स फॉर फ्यूल मीन्स स्टेडली रिड्यूसिंग द सल्फर एंड एरोमेटिक कंटेंट इन पेट्रोल एंड डीजल फ्यूल, स्ट्रिक्टली नॉर्म लेके आएंगे तो इससे क्या होगा, इसका मतलब साफ साफ है कि लगातार रिड्यूस होता रहेगा क्या, सल्फर एंड एरोमेटिक कंटेंट इन पेट्रोल एंड डीजल फ्यूल, ठीक है ना। इनके अंदर सल्फर और एरोमेटिक कंटेंट पाया जाता है, जो थोड़े से इम्प्योरिटी अगर ज़्यादा होती है तो।
जितना अच्छा फ्यूल तेल होगा उसमें सल्फर और एरोमेटिक कंटेंट कम पाए जाएंगे। तो जितने अच्छे नॉर्म, जितने अच्छे रूल रेगुलेशन फॉलो हो जाएंगे, पेट्रोल की लगातार चेकिंग हो रही है, जहाँ से सप्लाई हो रही है वहाँ पे लगातार चेकिंग हो रही है सल्फर के लिए और इसके लिए, तो ऑटोमेटिक जो रिफाइन होते हैं वहाँ पे अच्छे से रिफाइनिंग होगी, अदरवाइज वो लोग क्या होंगे, आगे सप्लाई होने नहीं देंगे। ठीक है, यूरो 3 नॉर्म्स है ना, जो हम लोग देखते हैं ना, BS4, BS3, BS4, BS5, ये भारत स्टेज, ये क्या है, BS4, BS3 क्या है, नॉर्म्स हैं, किसको लेकर के, अब पॉल्यूशन को लेकर के। तो सबसे पहले क्या था, हम लोग देखें जो यूरोपियन कंट्रीज थे वहां से ये नॉर्म्स उठाए गए थे। तो यूरो 3 नॉर्म्स फॉर एग्जांपल स्टिपुलेट दैट सल्फर बी कंट्रोल्ड एट 350 पार्ट्स पर मिलियन। यूरो 3 में कहा गया था कि सल्फर जो है 350 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए इन डीजल एंड 150 ppm इन पेट्रोल, इससे ज्यादा नहीं होगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर टू बी कंटेंट एट 42% ऑफ द कंसेंट्रेटेड फ्यूल। ये था यूरो 3 की बातें। ठीक है, द गोल अकॉर्डिंग टू द रोड मैप इज टू रिड्यूस सल्फर टू 50 ppm। ये नॉर्म क्यों स्टार्ट किया गया, कि चलो शुरुआत में एकदम से तो नहीं कर सकते हैं, जो सल्फर 350 था उसको हमें कहां तक लेके आना था, 50 तक लेके आना था, ठीक है, इन पेट्रोल एंड डीजल, एंड ब्रिंग डाउन लेवल टू 35%, और जो एरोमेटिक था उसको कहां तक लेके आना था, 35% तक। कॉरस्पॉन्डिंग टू फ्यूल व्हीकल इंजन विल ऑल्सो नीड टू बी अपग्रेडेड, और फ्यूल के साथ साथ जो व्हीकल इंजन थे उनको भी अपग्रेड करना था। यही सब बातें थी जिसकी वजह से ये नॉर्म्स लाए गए। तो देखो जा रहा है यहां पर मास एमिशन स्टैंडर्ड्स, जो एमिशन यानी कि जो पॉल्यूशन निकल रहा है उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, भारत स्टेज 2 विच इज इक्विवेलेंट टू यूरो 2 नॉर्म्स आर नो मोर एप्लीकेबल, अभी एप्लीकेबल नहीं है, शुरुआत में यही आया था, इन द सिटीज ऑफ इंडिया डिटेल्स ऑफ द लेटेस्ट मास एमिशन स्टैंडर्ड्स। मास एमिशन स्टैंडर्ड मतलब पॉल्यूशन जो निकलता है उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए, इस टेबल में दे रखे हैं। तो हम लोग जानते हैं भारत स्टेज 4 है ना, अब शायद कितना क्या आ गया, 5 आ गया है। तो 4 की बात करें फोर व्हीलर के लिए, तो थ्रू आउट द कंट्री सिंस 2017 से है, ये थ्रू आउट द कंट्री सिंस 1 अप्रैल 2017 से है, और ये थ्रू आउट द कंट्री सिंस 1 अप्रैल 2017 से है, ठीक है ना, टू व्हीलर के लिए, थ्री व्हीलर के लिए, फोर व्हीलर के लिए। तो ये भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 4 या भारत स्टेज 3 या भारत स्टेज 2 या भारत स्टेज 5, ये कुछ और नहीं है, ये नॉर्म्स हैं। मास एमिशन, मास एमिशन मतलब जो पॉल्यूशन हम लोग एमिट करते हैं उसको लेकर के कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, कुछ अमेंड किए जाते हैं, हर बार अमेंड करने के बाद उसका वो बढ़ा दिया जाता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। क्लियर है, आगे आए, कह रहा है थैंक्स टू एफर्ट मेड, शुक्रिया जो एफर्ट्स किए गए, द एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव, काफी अच्छी इंप्रूव हुई। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट अ सब्सटेंशियल फॉल इन CO2 एंड SO2 लेवल हैज बीन फाउंड इन दिल्ली बिटवीन 1997 एंड 2005। इसके बीच में CO2 और SO2 का लेवल काफी हद तक क्या पाया गया, कम पाया गया, यानी कि डिक्रीज हो गया। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है, तो मेरे ख्याल से एयर को लेकर के सारी बातें तुम लोगों को क्लियर हो गई होंगी। चलो तो आगे चलते हैं फिर हम लोग, अब वाटर पॉल्यूशन, एयर की बात हो गई, वाटर की बात कर लेते हैं हम लोग। तो क्या कह रहा है, ह्यूमन बींग्स हैव बीन अब्यूजिंग द वाटर, अब्यूज मतलब गाली नहीं दे रहा है, अब्यूज मतलब मिसयूज कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, अब्यूज मतलब मिसयूज करना। वाटर बॉडीज जैसे कि वो नहरें हैं, तालाब हैं, कुएं हैं अराउंड द वर्ल्ड एंड डिस्पोजिंग इन टू देम ऑल काइंड ऑफ वेस्ट, है ना, उसमें क्या कर रहा है, हर तरह की गंदगी डाल रहा है, नदियों में गंदगी डाल देता है, कूड़ा करकट डाल दे रहा है ना, पूरी दुनिया में जो वाटर बॉडीज है उनको अब्यूज कर रहा है, मिसयूज कर रहा है अराउंड द वर्ल्ड बाय डिस्पोजिंग इन टू देम ऑल काइंड ऑफ वेस्ट, डिस्पोज कर रहा है सारा का सारा वेस्ट उसके अंदर लाके डाल देता है, कूड़ा करकट, है ना। वी टेंड टू बिलीव दैट वाटर कैन वॉश अवे एवरीथिंग नॉट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट दैट वाटर बॉडीज आर अवर लाइफ लाइन एज वेल एज दैट ऑफ ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं वी टेंड टू बिलीव डैट, हम मानते हैं कि वाटर कैन वॉश अवे एवरीथिंग, हम ये मानते हैं कि वाटर सब कुछ धो देगा, नॉट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट दैट, इस फैक्ट को नहीं मानते डैट द वाटर बॉडीज आर अवर लाइफ लाइन, ठीक है ना, ये हमारी क्या है, लाइफ लाइन है, एज वेल एज दैट ऑफ ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे साथ साथ ये पूरी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी क्या है, ये लाइफ लाइन है। ये फैक्ट को जानते हुए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर अपनी सारी गंदगी डाल रहे हैं। कैन यू लिस्ट व्हाट ऑल वी टेंड टू ट्राई एंड वॉश अवे थ्रू आवर रिवर्स एंड ड्रेन्स, ठीक है, ये बातें जनरल हो गए, हम लोग व्हाट वी टेंड टू ट्राई एंड वॉश अवे थ्रू आवर रिवर्स, हम लोग क्या उसमें डाल देते हैं, सब बातें बात करना चाह रहा है। और आगे आते हैं, ड्यू टू सच एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन
काइंड द पॉन्ड्स लेक्स, इस एक्टिविटी की वजह से जो तालाब हैं, झीलें हैं, स्ट्रीम हैं, नहरें वगैरह हैं, ठीक है, रिवर्स हैं, एस्टुरीज हैं एंड ओशियंस आर बिकम पॉल्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के बहुत सारे पार्ट्स में क्या हो गए, ये पॉइजनस हो गए हैं, जहरीले हो गए हैं, पॉल्यूटेड हो गए हैं। रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द क्लीन लाइंस ऑफ द वाटर बॉडीज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 टू सेफगार्ड द वाटर रिसोर्सेज। उसकी इंपॉर्टेंस समझते हो कि हाँ पानी को क्लीन रखना है हमें, तो एक एक्ट पास कर दिया गया है और वो एक्ट ये रहा, इसकी डेट ये रही, जो तुम लोगों को याद करनी है। तो जो जो खास खास चीज़ें यहाँ से लेते चलेंगे हम लोग, बाद बाकी तो डाटा है ना। डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, डोमेस्टिक सीवेज जो हमारा डोमेस्टिक सीवेज है ना, घरों से जो गंदा पानी निकल रहा है, और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो इंडस्ट्रीज से गंदा पानी निकल रहा है, उनकी बातें करने वाले हैं। एज वी वर्क विद वाटर इन आवर होम इन द सिटीज एंड टाउन है ना, वी वॉश एवरी थिंग इन टू ड्रेन्स, हम लोग हर चीज़ धो करके नाले में डाल देते हैं वो गंदा पानी। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर द सीवेज डेट कम्स आउट ऑफ आवर हाउस गो, जो गंदा पानी निकल रहा है हमारे घरों से जा कहाँ रहा है ये? तो कह रहा है वट हैपन इन विलेजेस, गाँव में क्या होता है, इज द सीवेज ट्रीटेड बिफोर द बींग ट्रांसपोर्टेड टू द नियरेस्ट रिवर एंड मिक्स विद इट। क्या सीवेज, सीवेज मतलब जो गंदा पानी हमारे घरों से निकल रहा है, नालियों में जा रहा है, क्या उसको ट्रीट किया जाता है? ट्रीट करने का मतलब है क्या उसको साफ किया जाता है नदियों में डालने से पहले, क्यों अल्टीमेटली डालना तो हमको नदियों में ही है, और नदी से कहाँ पहुँचता है, समुंदर में, यही हकीकत है, ठीक है। अ मेयर 0.1% इम्प्योरिटीज मेक डोमेस्टिक सीवेज अनफिट फॉर ह्यूमन यूज, कह रहा है हार्डली, बहुत मुश्किल से 0.1% इम्प्योरिटीज बनाती हैं डोमेस्टिक सीवेज को अनफिट फॉर ह्यूमन यूज, मात्र 0.1% जो इम्प्योरिटीज है वो क्या करती हैं, मेक डोमेस्टिक सीवेज अनफिट फॉर ह्यूमन यूज, ठीक है। फिगर 16.2 की बात कर रहा है, देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, वाटर, ठीक है ना, इस वाटर में इम्प्योरिटीज 0.1% सस्पेंडेड सॉलिड सैंड सिल्ट एंड क्ले कोलाइडल मटेरियल फीकल मैटर बैक्टीरिया क्लॉथ एंड पेपर फाइबर डिजॉल्व मटेरियल एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट नाइट्रेट अमोनिया फॉस्फेट सोडियम कैल्शियम, ये सब मिलकर के कितना बना रहा है 0.1%, क्लियर है, ओके आगे आते हैं। यू हैव रेड अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इन चैप्टर 10, ठीक है, हमने पढ़ा था कि किस तरह से सीवेज को ट्रीट किया जाता है चैप्टर नंबर 10 में। सॉलिड्स आर रिलेटिवली ईजी टू रिमूव, जो सॉलिड होते हैं वो तो छन जाते हैं, एक जाली लगा दी जाती है, जितना सॉलिड वेस्ट होता है कंकड़ पत्थर पॉलीथीन वगैरह वो सब हट जाता है। वट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव, आर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या है रिमूव करना, और वो है डिजॉल्व्ड साल्ट, जो पानी में घुले हुए साल्ट हैं सच एज नाइट्रेट फॉस्फेट, अब ये मार्क ध्यान रखना, इसको मार्क कर लेना, इम्प्योरिटीज कौन कौन से साल्ट डिजॉल्व होते हैं, तो नाइट्रेट्स और फॉस्फेट एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एंड टॉक्सिक मेटल आयंस एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्या क्या इम्प्योरिटी पाई जाती है जिनको रिमूव करना पानी से अलग होता है, दैट इज मेटल आयंस ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रेट एंड सॉल्ट्स ऑफ फॉस्फेट, क्लियर बात है, ये पीछे जो ग्राफ रह गया अभी हम उसकी बात भी करेंगे, आएंगे उसके ऊपर, आगे आते हैं क्या कह रहा है। डोमेस्टिक सीवेज प्राइमरली कंटेन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, डोमेस्टिक सीवेज में ज्यादातर कैसा है, ऐसा मैटर है जो बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि माइक्रोब्स के द्वारा तोड़ करके उसे खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि वो वेस्ट हार्मफुल नहीं है, वो वेस्ट माइक्रोब्स के द्वारा फाइनली खत्म कर दिया जाएगा, विच रेडिली डिकम्पोजेस, ठीक है, थैंक्स टू बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन मल्टीप्लाई यूजिंग दीज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एज सब्सट्रेट एंड हैंस यूटिलाइज सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सीवेज। तो हम कह रहे हैं बैक्टीरिया को शुक्रिया अदा करो कि जो वेस्ट निकल रहा है वो उसको खा करके अपनी कॉलोनी तो बढ़ा लेता है लेकिन हमारे नदी नालों को साफ कर देता है, ठीक है, अच्छी बात है ये, ठीक है, ये हम देख भी चुके हैं। इट इज पॉसिबल टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर बाय मेजरिंग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग ये, ठीक है ना, कि कोई पानी कितना जो ड्रेन निकल रहा है कितना गंदा है उसको हम लोग किससे नापते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यानी सीधी सी बात है, इसको सिंपल समझा दूंगा फिर से मैं, एक लीटर पानी ले लो, इसके अंदर बैक्टीरिया डाल दिया, अब ये बैक्टीरिया कितनी ऑक्सीजन लेता है, जो इसकी इम्प्योरिटी है इसके अंदर, उस इम्प्योरिटी को हम लोग 15% पे लेके आना है, पूरी इम्प्योरिटी को 100% मान ले तो उसको हमें कहाँ पे लेके आना है, 15% तक। तो 15% लाने के लिए इस पानी जो बैक्टीरिया डाला हमने वो कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सपोज दो पानी लिया अलग अलग नालों से, एक में ऑक्सीजन का लेवल मान लेते हैं लिया 30,
एक में लिया उसने 50, तो जहां ज्यादा ऑक्सीजन खा रहा है इसका मतलब ये पानी ज्यादा गंदा है, सीधी सी बात है। अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है तो पानी ज्यादा गंदा है। क्लियर होगी बात? कैन यू एक्सप्लेन हाउ? तो एक्सप्लेन हो गया हमारा किस तरीके से। इन द चैप्टर ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यू हैव रेड अबाउट द रिलेशन बिटवीन बीओडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल मैटर, इनका वही चैप्टर नंबर 10 जो हम लोगों ने पढ़ रखा है उसके बारे में बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। जिनको समझ में अगर उतर गया दिमाग से वीडियो पॉज करें, चैप्टर नंबर 10 में वापस जाएं बीओडी में और उसको रिवाइज करें फिर आगे बढ़े, ठीक है। तो ये सारी कहानी चैप्टर नंबर 10 से उठा ली गई है बीओडी की। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ बता दिया कि बीओडी को हम लोग कैसे चेक करते हैं। क्लियर है? आगे आते हैं। फिगर 16.3 शो सम ऑफ द चेंजेस दैट वन मे नोटिस फॉलोइंग डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इनटू अ रिवर। जब रिवर में हम लोग डिस्चार्ज डाल देते हैं तो कुछ चीजें नोटिस करने को मिलेंगी जो हम लोग फिगर 16.3 से देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है 16.3, आओ देखें जरा 16.3। ओके, तो 16.3 ये कंसंट्रेशन सीवेज डिस्चार्ज का, कंसंट्रेशन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सपोज ये नदी है ऐसे बह रही है, यहां पे ला करके हमने क्या डाल दिया, गंदगी डाल रहे हैं और इस तरह से गंदगी बहती हुई फिर आगे जा रही है। तो देखो क्या देखने को मिलता है, हमें दो चीजें देखने को मिलेगी, रेड और ब्लू। तो जो रेड है वो किसको दिखा रहा है, डिजॉल्व ऑक्सीजन को, और जो ब्लू लाइन है वो किसको दिखा रहा है, बीओडी को। यानी कि हम लोग साफ साफ देख सकते हैं जहां गंदगी एकदम से पड़ती है ज्यादा, वहां पर जो बीओडी है, सॉरी डिजॉल्व ऑक्सीजन है, इसका लेवल क्या हो गया है, एकदम से गिर गया है। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये बढ़ गई है, जब बीओडी बढ़ जाएगी यानी कि यहां पर जो ऑर्गेनिज्म है बहुत ज्यादा ऑक्सीजन खाएंगे, यहां के जो पानी होगा यहां पर नदी के स्टार्टिंग में, यहां ऑक्सीजन लेवल बहुत कम मिलेगा, ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो यहां पर किसी भी टाइप के एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म तुमको नहीं मिलेंगे। फिर जैसे जैसे फ्लो आगे बढ़ता जाएगा तो यहां गंदगी क्या काफी ज्यादा खाई जा रही है, किसके द्वारा, माइक्रोब्स के द्वारा, धीरे धीरे वो गंदगी कम होती जा रही है। तो नहर में आगे जाएंगे, जैसे गंदगी कम हो रही है बीओडी की डिमांड कम होती जा रही है, डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ती जा रही है, यही ये ग्राफ कह रहा है। बात समझ में आ गई? इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो बीओडी डिक्रीज कर गई, मैंने बताया था ना पीछे, जितना गंदा पानी बीओडी उतनी ज्यादा, जितना कम गंदा पानी बीओडी उतनी कम। तो जब पानी बहुत गंदा था शुरुआत में, नाला यहीं आके गिरा नदी में, तो बीओडी एकदम बढ़ गई। जब बीओडी लेगा कहां से, वो ऑक्सीजन पानी के अंदर जो ऑक्सीजन उसी को तो खाएगा वो, तो पानी के ऑक्सीजन लेवल गिर गया एकदम से, ठीक है ना, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो पानी के अंदर होती है। फिर जब पानी आगे बढ़ता चला जा रहा है तो नहर में आगे आगे, तो यहां पर क्या, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा माइक्रोब्स अंदर की गंदगी खाते जाएंगे और धीरे धीरे डिजॉल्व ऑक्सीजन आगे बढ़ती जाएगी और बीओडी यानी कि घटती चली जाएगी। जब ग्राफ समझ में आया तो हम देख सकते हैं यहां पर क्या बोल रहा है, फिश किल एंड डिसअपीयरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म, यानी कि इस जोन में जब आगे जाएंगे रीअपीयरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म, तो वापस से क्लीन वाटर रीअपीयर होता है और ऑर्गेनिज्म भी रीअपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि सपोज जहां गंदगी गिर रही है यहां तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, बहुत गंदा पानी होगा, ओ2 बिल्कुल नहीं होगा, ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, फिर से ऑर्गेनिज्म मिलना हमें स्टार्ट हो जाते हैं और पानी भी थोड़ा थोड़ा क्लीन हो जाता है। क्लियर है? देखो साफ साफ लिखा हुआ इस जोन में क्या हो रहा है, सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है, सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे डिस्चार्ज हुआ बीओडी बहुत कम था बढ़ गया एकदम से, ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत ज्यादा थी घट गई एकदम से। क्लियर? आगे आते हैं। फिर कह रहा है मैक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व्ड इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, इन द रिसीविंग वाटर बॉडी, मतलब जो गंदगी को रिसीव कर रही है, कंज्यूम अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, है ना, वो पानी की बहुत सारी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेती है, एंड एज ए रिजल्ट देयर इज अ शार्प डिक्लाइन इन डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन गिर जाती है, शार्प डिक्लाइन होता है एकदम से, डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज, ठीक है ना। दिस कॉज मॉर्टेलिटी ऑफ फिश एंड अदर एक्वाटिक क्रिएचर, जब डिजॉल्व ऑक्सीजन गिर गई एकदम से तो मॉर्टेलिटी मतलब डेथ हो जाएगी किसकी, फिशेस की और एक्वाटिक क्रिएचर्स की, क्रिएचर्स मतलब जीव जंतु। क्लियर है? ओके, आगे आते हैं। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वेस्ट सॉरी इन वाटर आल्सो कॉज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंकटोनिक। अब कई बार क्या होता है, घरों से जो वेस्ट निकल रहा है, जैसे कि हम लोग बात करें फीकल मैटर कई बार क्या होता है, उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कई बार उसकी वजह से प्लैंकटोनिक ग्रोथ, फ्री फ्लोटिंग एल्गी कॉल्ड एल्गल ब्लूम,
तो अगर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है तो पानी में आलगी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एकदम से, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आल्गल ब्लूम कहते हैं। क्लियर है? फिगर 16.4 कहाँ गया, ये देखो, कभी देखा पानी में ऐसा एकदम काई 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 पूरे में फैल जाती है। तो अगर जो पानी यहाँ पर आ रहा है घरों से, मतलब घर नाली का तो पानी आ रहा होगा यहाँ पर, है ना, और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है। न्यूट्रिएंट्स इन द सेंस मैंने क्या कहा, ऐसा नहीं कि तुम जाके खाना डाल दे रहे हो यहाँ पर, जो हमारा वेस्ट जो निकल रहा है, वेस्ट में ज्यादातर क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं जो हमारा फीकल मैटर होता है पूरी तरह से डाइजेस्ट होता है नहीं, उसके अंदर भी काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लांट्स के लिए हेल्पफुल होते हैं, उसी तरह वही न्यूट्रिएंट्स यहाँ आल्गी को फलने फूलने में हेल्प करता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कह रहा है इस तरह से आल्गल ब्लूम आ जाता है, यानी कि एक तरह से एकदम से हम कहते हैं ना कि एकदम से बाढ़ सी आ गई आल्गी की, बहुत ज्यादा आल्गी एकदम पैदा हो जाती है। ओके, विच इम्पार्ट अ डिस्टिंक्ट कलर टू वाटर, बॉडी हरा हरा दिखने लगता है, अलग सा कलर आ जाता है। आल्गल ब्लूम कॉज डिटोरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी एंड फिश मॉर्टेलिटी। अब ये भी देख लो, अब आल्गी आ गई है तो पानी की क्वालिटी डिटोरिएट खराब हो जाती है। क्यों खराब हो जाती है? ऑक्सीजन लेवल गिरेगा यहाँ पे भी, भाई आल्गी अपने लिए ऑक्सीजन लेगी नहीं लेगी, फिश मरने लगती है। क्यों? जो ऑक्सीजन पानी का होता है वो कम हो जाएगा, कौन ले लेगा, आल्गी ले लेगा। सम ब्लूम फॉर्मिंग आल्गी आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल। कई बार ये आल्गी काफी टॉक्सिक होती है ह्यूमंस के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। तो ये रहा आल्गल ब्लूम का साइड इफेक्ट, यानी कि पानी की गंदगी की वजह से हमको एक और चीज देखने को मिली, वो चीज क्या थी, आल्गल ब्लूम। तो पकड़ते जाना बातों को, पानी की गंदगी की वजह से एक ये वाला चार्ट जो हमें समझना था, पानी की गंदगी, ये नदी का था, पानी की गंदगी अगर कहीं इकट्ठी हो जाए, छोटा मोटा गड्ढा है, तालाब टाइप का है, तो वहां पर आल्गल ब्लूम हो जाएगा, उसके साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। ठीक, अभी क्या कह रहा है, यू मे हैव बीन सीन द ब्यूटीफुल मॉव कलर्ड फ्लावर फाउंड ऑन वेरी अपीलिंगली शेप्ड फ्लोटिंग प्लांट इन वाटर बॉडीज। ठीक है ना, मॉव कलर फ्लावर जो होता है पानी में पाया जाता है। दीज प्लांट विच वर इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया फॉर देयर लवली फ्लावर। ठीक है, अभी इसको दिखा दूंगा मैं, मॉव कलर फ्लावर क्या होते हैं। ठीक है, कह रहा है ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए, लाए गए, ठीक है ना, फॉर देयर लवली फ्लावर, इनका फ्लावर बहुत अच्छा लगता था। हैव कॉज्ड हैवॉक, हैवॉक मतलब एकदम डर पैदा कर देना, हैवॉक पैदा कर दिया, बाय देयर एक्सेसिव ग्रोथ, ये इतनी तेजी से बड़े होते हैं, बाय कॉजिंग ब्लॉक इन अवर वाटर वेज, जो हमारे नहर या रास्ते होते हैं ना उनमें क्या करते हैं, ब्लॉक कर देंगे, ये इतनी तेजी से ग्रो होते हैं कि पानी ब्लॉक हो जाता है। They grow faster than our ability to remove them. इतनी तेज ग्रो करते हैं कि हम इन्हें रिमूव नहीं कर पाते हैं। हमने मान लो आज आदमी लगा के हटाए और मान लो कुछ पार्ट उसके रह गए तो फटाफट क्या करते हैं वो, फिर फैल जाते हैं। These are plants of water hyacinth, Icornia crassipes. ठीक है ना, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, फिर दिखा देता हूँ अभी मैं इसको। The world's most problematic aquatic weed. ठीक है ना, इसका काफी अच्छा लगता था, शायद पिछले चैप्टर में भी इसका डिस्कस था। ठीक है ना, काफी अच्छा लगता था, इसको इंडिया में लाया गया किसके लिए, सजावट के तौर पे, जब इस्तेमाल नहीं हुआ किसी ने पानी फेंक दिया, अब ये ऐसे फैल गए हैं क्योंकि ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा सा पार्ट इसका रह जाएगा ना पानी में तो वो अपने उस पार्ट से ही क्या कर लेता है, रिप्रोड्यूस कर लेता है। शायद फर्स्ट चैप्टर में भी इसका हमने डिस्कस कर रखा है। तो इतने तेजी से फलता बढ़ता है कि पूरी वाटर बॉडी में फैल जाएगा, फिर वहां से अगेन वही काम करेगा, ऑक्सीजन खींचेगा ये, तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होती है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वीड अगर कोई है तो वो कौन है, वाटर हाइसिंथ। ठीक है ना, अब वाटर हाइसिंथ मेरे ख्याल से तुम लोग को समझ में आ गया होगा, मॉव कलर्ड फ्लावर दिखाता हूं मैं अभी, आगे आते हैं। फिर क्या कह रहा है, मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड है, ऑल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्क करेंगे, टेरर ऑफ बंगाल। दे ग्रो एबंडेंटली इन यूट्रॉफिक वाटर। अभी यूट्रॉफिक वाटर क्या होता है, अभी मैं बात बताता हूँ इसके बारे में भी, यूट्रॉफिक वाटर क्या होता है, यूट्रॉफिकेशन, यूट्रॉफिकेशन आएगा अभी डिटेल में। यूट्रॉफिकेशन होता है किसी वाटर बॉडी का धीरे 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 खत्म होना, खात्मा होना। ऐसा कब होता है, ऐसा इसलिए होता है, शुरुआत में इमेजिन करो एक गड्ढा होगा, उस गड्ढे में बारिश का पानी आके गिरा, जब बारिश का पानी आके गिरा वो पानी एकदम साफ सुथरा था, फिर धीरे धीरे उसमें गंदगी आना स्टार्ट हुई, जब गंदगी आना स्टार्ट हुई तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आना स्टार्ट हो गए, और जब न्यूट्रिएंट्स आना स्टार्ट हो गए तो धीरे धीरे उसमें क्या होंगे, उस गड्ढे में प्लांट्स उगना स्टार्ट कर जाएंगे, और धीरे धीरे वो प्लांट्स उगते उगते वो गड्ढा धीरे धीरे प्लांट से भर जाएगा और वो जमीन में बदल जाएगा, तो वो हम कहते हैं कि वो गड्ढा मर गया, बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है, डेट इज कॉल्ड यूट्रॉफिकेशन। तो यहाँ से यूट्रॉफिक वाटर बॉडी एंड लीड टू एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम डायनेमिक्स ऑफ वाटर बॉडी, और ये क्या करता है, इम्बैलेंस करता है इन द इकोसिस्टम ऑफ द वाटर बॉडीज। तो ये बात समझ में आ रही है,
तो टेरर ऑफ बंगाल की पिक देख लें, देखो जरा। हाँ अब बच्चे लोग कहेंगे हाँ सर ये तो हमने देखा हुआ है ना, पानी इस तरह फैला रहता है और इसका ये फ्लावर देखो कितना अच्छा लग रहा है फ्लावर ये। तो ये फ्लावर के फ्लावरिंग के पर्पज से ही लाया गया था ये, बट फिर हुआ क्या, नहीं पसंद आया किसी ने, फेंक दिया पानी में, और वो पूरा क्या है इस तरह से कब्जा कर लेता है ना, पूरा ब्लॉक करता है पानी को ये। तो यही हमारे पास वाटर हाइसिंथ। क्लियर है, आगे आते हैं। अब क्या कह रहा है, सीवेज फ्रॉम आवर होम्स एज वेल एज फ्रॉम हॉस्पिटल्स आर लाइकली टू कंटेन मेनी अनडिजायरेबल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कई बार पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं ना, मान लो किसी को डायरिया है तो उसके फीसिस में क्या होगा, बैक्टीरिया पाए जाएंगे। इवन हॉस्पिटल में जो जख्म वगैरह होते हैं वो पट्टी वगैरह तो डाल के अगर तुम नाले में डाल दोगे, वॉश कर दोगे, तो पैथोजेनिक फॉर्म क्या आ जाएंगे, पानी में आ जाएंगे। एंड इट डिस्पोजल इनटू वाटर विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट में कॉज आउटब्रेक ऑफ सीरियस डिजीज। आउटब्रेक मतलब फैलना, सीरियस डिजीज फैल जाएगी। अगर हम लोग हॉस्पिटल से जो गंदगी निकलती है, कई बार सर्जरी वगैरह होती हैं और कई बार इन्फेक्शियस पीपल होते हैं, बॉडी साफ की गई और हमने ऐसे ही डाल दिया नदी नाले में, तो इन्फेक्शियस कोई सीरियस डिजीज फैल सकती है, आउटब्रेक हो सकती है, सच एज डिजेंट्री, टाइफाइड, जॉन्डिस, कॉलरा। ये डिजीज ऐसी हैं कि अगर इनके इनके माइक्रोब्स अगर पानी में चले जाएं और अगर पी लें हम लोग तो फैलने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। आगे आते हैं, अनलाइक डोमेस्टिक सीवेज वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज लाइक पेट्रोलियम, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। अब कह रहा है ये सब फैक्ट्री की बात कर लें अगर हम लोग, जो जो यहाँ गिनवा दी इसने, ऑफन कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंस। इनके जो वेस्ट में होता है, वेस्ट में क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, ठीक है, नोटेबली हैवी मेटल, खास करके हैवी मेटल्स होते हैं, डिफाइंड एज एलिमेंट विद डेंसिटी, ये ध्यान रखना, मोर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सच एज मरकरी, कैडमियम, कॉपर, लीड। ये मार्क कर लेना, क्वेश्चन है तुम्हारे पास ये कि कौन से हैवी मेटल इंडस्ट्री के वेस्ट में पाए जाते हैं, एंड ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है वो तो पाए जाएंगे तो, लेकिन ध्यान रखना ऑर्गेनिक सीवेज जो पीछे था ना हमारा, कि घर के सीवेज में क्या पाया जाता है और इंडस्ट्री के सीवेज में क्या पाए जाते हैं। ठीक है क्वेश्चन ये बना हमारे पास एक, आगे आते हैं। अ फ्यू टॉक्सिक सब्सटेंस ऑफन प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कैन अंडरगो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब समझते हो, मैग्निफाई होना, कोई चीज बढ़ते हुए चले जाना। इसको सिंपल सी मैं एक बात बता दूं, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका किसको लेकर के है, डीडीटी को लेकर के है। तो समझो जरा, डीडीटी क्या हुआ, पानी में आया, ठीक है ना, कितना पीपीएम था, 0.003 पीपीएम। उसमें क्या हुआ, जो पानी के जू प्लैंकटॉन्स थे उन्होंने उस पानी को पिया, तो ये अब जाहिर से पानी बहुत सारा है, बार बार पियेंगे ये। अच्छा डीडीटी होता क्या है, जब बॉडी में चला जाता है तो फैट में स्टोर हो जाता है, तो बॉडी से एलिमिनेट नहीं होता ये, है ना, अगर ये वाटर सॉल्युबल होता तो हमारे यूरिन से बाहर हो जाता, बट बॉडी के सेल्स और टिश्यूज में आके फैट में डिवाइड हो जाता है। तो जितनी बार पानी पीते जाएंगे धीरे धीरे इनमें लेवल बढ़ता जाएगा, और हमने क्या देखा, जो जू प्लैंकटॉन्स थे उनमें ये वैल्यू कितनी होगी, 0.04 ppm बढ़ गई। अब छोटी मछलियां इन जू प्लैंकटॉन को खाती हैं, अब वो मछली बार बार खाएगी, अब इस मछली के अंदर फैट भी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है धीरे धीरे इसके अंदर और डीडीटी की मात्रा बढ़ेगी, 0.5 तक आ गई। इसको खाई बड़ी मछली ने, ठीक है, तो बड़ी मछली के अंदर ये पाएगा 2 ppm, बड़ी मछली को खाया ईगल ने या फिश ईटिंग बर्ड ने, इसके अंदर पाया 25 ppm। यानी कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता चला गया, डीडीटी की क्वांटिटी बढ़ती चली गई, ये डीडीटी की मात्रा बढ़ती चली जा रही है, यही कहलाता है क्या, बायो, लिविंग थिंग्स के अंदर चीजें मैग्नीफाई हो रही हैं, केमिकल, टॉक्सिक केमिकल बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसके नुकसान क्या हुए, नीचे नुकसान दे रखे हैं, आओ देखें, इन द एक्वाटिक फूड चेन, एक्वाटिक फूड चेन की बात हो रही है, किस तरीके से डीडीटी का लेवल बढ़ता चला गया। बायो मैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट, टॉक्सिकेंट मतलब जो चीजें टॉक्सिक होती हैं, एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, हमने देखा हर लेवल पे बढ़ता चला जा रहा है। दिस हैपेंस बिकॉज अ टॉक्सिक सब्सटेंस एक्युमुलेटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी मोबिलाइज्ड और एक्सक्रीटेड एंड इज दस पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल। ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ये मेटाबोलाइज मतलब रिएक्शन होकर के इनके ऊपर कुछ और हरकत नहीं कर पाती हमारी बॉडी, और बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता है, इसका रीजन यही होता है, मैंने बताया फैटी टिश्यूज में जाकर के, फैट में जाकर के ये डिजॉल्व होकर के बैठ जाता है ये, ठीक है। दिस फिनोमेना इज वेल नोन फॉर मरकरी एंड डीडीटी, हमने यहां पर केवल किसका एग्जांपल देखा, डीडीटी का, मरकरी के केस में भी ऐसा होता है। फिगर 16.5 शोज बायो मैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी इन एन एक्वाटिक फूड चेन,
तो हमने डिस्कस कर लिया इसको. इन दिस मैनर द कंसेंट्रेशन ऑफ डीडीटी इज इंक्रीज एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल से इट इज स्टार्ट फ्रॉम 0.03 पार्ट पर, सॉरी ये पार्ट पर बिलियन है, और बिलियन से फिर मिलियन, ठीक है, पार्ट पर बिलियन इन वाटर. इट कैन अल्टीमेटली रीच पार्ट पर मिलियन इन फिश ईटिंग बर्ड्स थ्रू बायो मैग्निफिकेशन. ठीक है, तो हमने देखा बायो मैग्निफिकेशन के थ्रू 0.03 ppb, ये ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है, ppb से ppm हुआ है ये, ठीक है ना. हाई कंसेंट्रेशन ऑफ डीडीटी डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स, इसको मार्क करेंगे, क्वेश्चन है ये, ठीक है, विच कॉजेस थिनिंग ऑफ एक्सेल. अब बर्ड जो अंडे दे रही थी उसका एक्सेल बड़ा पतला था, हल्का सा भी टक्कर लगता टूट जाता था, बर्ड उसके ऊपर बैठी थी हैचिंग के लिए, टूट गया वो, ठीक है. एंड देयर प्रीमैच्योर ब्रेकिंग, अब बच्चा निकलने से पहले एक्सेल टूट जाता था, इवेंचुअली कॉजिंग डिक्लाइन इन द बर्ड पॉपुलेशन. इसकी वजह से बर्ड की पॉपुलेशन में क्या होने लगा, काफी यार डिक्लाइन होने लगा. बात समझ में आई, ठीक है ना. तो एक डाटा एक उदाहरण देके इन्होंने बात खत्म कर दी. अब यूट्रॉफिकेशन, जो यहां पर एक वर्ड आया था यूट्रॉफिक, जो मैंने समझाने की कोशिश की थी, वो अब यहां पर आ रहा है यूट्रॉफिकेशन. आओ देखें क्या है. ये वाटर बॉडीज के लिए होता है, इसके लिए होगा, ये वाटर बॉडीज के लिए, यानी कि पानी की कोई चीज, नहर, झील, तालाब, उसके लिए. कह रहा है यूट्रॉफिकेशन इज अ नेचुरल एजिंग, कुदरती तौर पे बुढ़ापा, किसका, लैक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर. पानी के अंदर जैसे जैसे न्यूट्रिएंट्स बढ़ते जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है उसके अंदर पाए जाने वाले जीव जंतु, और जीव जंतु से ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो है प्लांट से. बड़े बड़े प्लांट आ जाएंगे तो धीरे धीरे वो पानी की बॉडी खत्म हो जाएगी और जंगल में बदल जाएगी. इन अ यंग लैक मतलब जो जस्ट अभी अभी बनी है, द वाटर इज कोल्ड, है ना, बरसात का पानी आया, पानी अभी ठंडा है उसके अंदर, एंड क्लियर होता है, सपोर्टिंग लिटिल लाइफ. अब उसके अंदर कुछ और तो है नहीं, तो बहुत कम लाइफ होती है उसके अंदर, मतलब लाइफ कम होने का मतलब है बहुत कम जीव जंतु पाए जाएंगे. विद द टाइम स्ट्रीम्स ड्रेनिंग इन टू द लेक इंट्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन फॉस्फोरस विच इनकरेज द ग्रोथ ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म. समय के साथ स्ट्रीम, नदी नाले का पानी उसमें आगे गिरेगा थोड़ा बहुत, तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आना स्टार्ट होंगे, कौन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, मार्क कर लेंगे इसको. ये इनकरेज करते हैं, बढ़ावा देते हैं ग्रोथ ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का. एज द लैक फर्टिलिटी इंक्रीज, अब लैक की फर्टिलिटी इंक्रीज कर गई है, मतलब वो फर्टाइल हो गई है, किसके लिए, जीव जंतुओं के लिए. प्लांट एंड एनिमल लाइफ बर्गियन, बर्गियन मतलब फलने फूलने लगेगी, एंड ऑर्गेनिक रिमेन्स बिगिन टू बी डिपॉजिटेड ऑन द लैक बॉटम. अब जो ऑर्गेनिक रिमेन है, जो प्लांट मर गया है, ठीक है, मान लो ये लैक था, जो प्लांट मरते जा रहे हैं, जीव जंतु मरते जा रहे हैं धीरे धीरे, और जो मिट्टी आगे इकट्ठी होती जा रही है, ये धीरे धीरे यहाँ इकट्ठी होती जा रही है, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा. जब ये समतल हो गया और यहाँ पर प्लांट ही प्लांट है, अब तालाब या लैक थी वो खत्म हो गई, डेट इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन, सिंपल, ठीक है ना. तो आगे क्या कह रहा है, ओवर द सेंचुरीज, अच्छा एक दिन की बात नहीं होती है, सालों लग जाते हैं. एज सिल्ट एंड ऑर्गेनिक डेब्रीज, सिल्ट और ऑर्गेनिक डेब्रीज, मैंने कहा ना ये सब जो मरमुरा रहे हैं सब नीचे, सिल्ट मतलब जो रेत गर्दा आके जम रहा है, पाइल अप इकट्ठा हो रहा है. एंड लैक ग्रोज शैलोअर, शैलोअर मतलब उथली होती जा रही है, पहले बहुत गहरी थी फिर और कम गहरी, कम गहरी, कम गहरी, शैलोअर होती जा रही है. एंड वार्मर, गर्म होती जा रही है. विद वार्म वाटर ऑर्गेनिज्म सप्लांटिंग दोज डेट थ्राइव इन कोल्ड एनवायरमेंट. वार्म वाटर ऑर्गेनिज्म सप्लांट कर देते हैं, मतलब बदल देते हैं किसको, उन ऑर्गेनिज्म को जो कोल्ड वाटर में रह सकते हैं. अभी कोल्ड तो रहा नहीं पानी यहाँ पर, तो कोल्ड वाले खत्म हो जाएंगे, वार्म वाले आ जाएंगे. मार्श प्लांट जो दलदली धीरे धीरे लास्ट में आते आते एक दलदल सा बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो मार्श प्लांट्स टेक रूट इन द शैलो वाटर, वो यहाँ पर आके अपना रूटिंग करने लगेंगे. एंड बिगिन टू फिल इन द ओरिजिनल लैक बेसिन, उस ओरिजिनल लैक में आकर के टिकना स्टार्ट हो जाएंगे, जमना स्टार्ट हो जाएंगे, उगना स्टार्ट हो जाएंगे. इवेंचुअली अंत में द लैक गिव्स वे टू लार्ज मासेस ऑफ फ्लोटिंग प्लांट, जिसे हम बोग कहते हैं, इसको मार्क कर लेना, फाइनली कन्वर्टिंग इनटू लैंड. और अल्टीमेटली मैंने क्या कहा, वो लैंड में बदल जाती है डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट, साइज ऑफ द लैक एंड अदर फैक्टर्स. द नेचुरल एजिंग ऑफ लैक मे स्पेन थाउजेंड्स ऑफ ईयर, डिपेंड करेगा कितना बड़ा झील है, कैसे क्लाइमेटिक फैक्टर है, लगभग थाउजेंड ईयर लग सकते हैं. हाउ एवर पॉल्यूटेंट फ्रॉम मैन्स एक्टिविटी लाइक एफ्लुएंट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, एफ्लुएंट मतलब जो चीज निकल रही है कहीं से उसे एफ्लुएंट कहा जाता है. एंड होम्स कैन रेडिकली एक्सेलरेट द एजिंग प्रोसेस, जो ये हमारी एक्टिविटीज हैं, है ना, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था क्या, मास एक्सटेंशन, उसकी वजह भी हम ही लोग हैं, इसकी वजह भी हम ही लोग हैं, ठीक है ना, वो हमारी एक्टिविटीज को एक्सेलरेट कर रही है. अब हजार साल ना लग के पता चला 100-200 साल में हो जाएगा. दिस फिनोमेना हैज बीन कॉल्ड कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन. तो ध्यान रखना
एक वर्ड आएगा यूट्रोफिकेशन और एक वर्ड आएगा एक्सेलरेटेड या कल्चर यूट्रोफिकेशन। तो यहां समझ जाना इसका मतलब है कि मैन मेड है ना, इंसानों के द्वारा किया जा रहा है ये। आगे आते हैं, ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी लैक्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ हैव बीन सीवियरली यूट्रोफिफाइड बाय सीवेज एंड एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल वेट। बता रहा है पिछले कई सेंचुरीज में, पिछली सेंचुरीज में बहुत सारी जो लैक है वो यूट्रोफिफाइड हो गई है। द प्राइम कंटेमिनेंट्स आर नाइट्रेट्स, अब ये पहले भी आया फिर आया, सबसे ज्यादा पॉल्यूटेंट कौन पाए गए हैं, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट विच एक्ट एज अ प्लांट न्यूट्रिएंट, जिसकी वजह से बहुत जल्दी और बड़ी मात्रा में इनके अंदर प्लांट ग्रो कर जाते हैं, मार कर लेना इस चीज को। प्राइम कंटेमिनेंट, कंटेमिनेंट मतलब जो उसको दूषित करते हैं आकर के। दे ओवर स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एल्गी, स्टिमुलेट मतलब बहुत ज्यादा बढ़ावा दे देते हैं एल्गी को, कॉजिंग अनसाइटली स्कम एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर है ना, एक स्कम सा गाढ़ा गाढ़ा बन जाता है, एक अनप्लीजेंट ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है। एंड रॉबिंग द वाटर फॉर डिजॉल्व ऑक्सीजन, लूटने लगते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन को, वाइटल टू अदर एक्वेटिक लाइफ, जो दूसरे जीव जंतु उसके अंदर रह सकते हैं उसको लेने नहीं देंगे, खुद ही सारी ऑक्सीजन खा जाएंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम अदर पॉल्यूटेंट फ्लोइंग इन टू द लैक में पॉइजन होल पॉल्यूशन पॉपुलेशन ऑफ द फिश, जो दूसरे कह रहा है पॉल्यूटेंट आएंगे वो पॉपुलेशन को क्या करेगी, में पॉइजन, पॉइजन कर सकती है फिश की पॉपुलेशन को, हुज डिकम्पोजिंग रिमेन्स फर्दर डिप्लीट द वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट। अब जब उसको डिकम्पोज करना होगा तो बैक्टीरिया को फिर से ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो फिर वो पानी की ऑक्सीजन लेगा, वो तो पानी की ऑक्सीजन लगभग लगभग खत्म हो रही है धीरे धीरे। इन सच फैशन अ लैक कैन लिटरली चोक टू डेथ, ये वर्ड मार्क करेंगे, अल्टीमेटली चोक टू डेथ, जब ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म ही हो जा रही है तो चोक टू डेथ, अब उसके अंदर हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इस तरीके से दो बातें हो गई, एल्गी सारा ऑक्सीजन खींच रही है, अब पानी पॉइजन होगा तो फिश सारी मरेंगी, फिश मरेंगी तो वो डिकम्पोज होंगी, डिकम्पोज करने के लिए फिर बैक्टीरिया को फंगस को क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगा, वो पानी की ऑक्सीजन और लेंगी और अल्टीमेटली चोक टू डेथ क्या हो जाएगा, जो लैक है झील है हमारी वो मर जाएगी। क्लियर है, आगे आए, आगे आते हैं। हीटेड वेस्ट वाटर, जो गर्म पानी होते हैं थर्मल वेस्ट वाटर, फ्लोइंग आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट है ना, जहां से इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहां से जो ये निकलते हैं, एग्जाम्पल थर्मल पावर प्लांट कॉन्स्टिट्यूट अनदर इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ पॉल्यूटेंट, ये एक अलग ही कैटेगरी का पॉल्यूटेंट है। थर्मल वेस्ट वाटर एलिमिनेट और रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर, जो ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव है पानी में वो तो क्या होंगे, तो मर जाएंगे या वहां से छोड़ के चले जाएंगे। एंड मे एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फिश इन एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज, बट ओनली आफ्टर कॉजिंग डैमेज टू द इंडिजिनस फ्लोरा एंड फौना। एक मिनट, थर्मल वेस्ट वाटर एलिमिनेट एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर एंड मे एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फिश इन एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज, ठीक है, बट ओनली आफ्टर कॉजिंग डैमेज टू द इंडिजिनस फ्लोरा एंड फौना। तो क्या कह रहा है ये कि जो इन्हें ये क्या करेगा, थर्मल वेस्ट वाटर क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा और रिड्यूस कर देगा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर, एक बात खत्म। इट मे इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फिश इन एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज, यानी कि पानी में गए जहां कोल्ड एरियाज थे पानी के, ये अब प्लांट और फिशेज उस एरिया में चले जाएंगे, वहां वो अपनी क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, बट ओनली आफ्टर कॉजिंग डैमेज टू द इंडिजिनस फ्लोरा एंड फौना, जो इंडिजिनस जो वहां की लोकल फ्लोरा और फौना थी वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कौन डिस्ट्रॉय कर देगा, थर्मल वेस्ट वाटर, और प्लांट और फिशेज जो कोल्ड एरियाज हैं वहां पर खिसक जाएंगे, वहां पर वो अपनी क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। क्लियर है, चले आगे, बात समझ में आ रही है, ओके। अ केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, अब वाटर के मैनेजमेंट को लेकर के यहां पर एक क्या है, केस स्टडी है, तो आओ देखते हैं क्या है। वेस्ट वाटर इंक्लूडिंग सीवेज कैन बी ट्रीटेड इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, इंटीग्रेटेड मैनर मतलब एक साथ कई सारे काम किए जाएंगे ताकि पानी को ट्रीट किया सके, उसे सही किया सकते हैं, बाय यूटिलाइजिंग अ मिक्स ऑफ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल प्रोसेस, आर्टिफिशियल प्रोसेस को भी लिया जाएगा यहां पर और नेचुरल प्रोसेस को भी लिया जाएगा, तब जाकर के हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे। ध्यान रखना ये जो स्टडी है इसके अंदर आर्टिफिशियल और नेचुरल प्रोसेस दोनों को इंक्लूड किया गया है। एन एग्जाम्पल ऑफ सच एन इनिशिएटिव, ऐसी एक शुरुआत का जो एक एग्जाम्पल है, टाउन ऑफ अर्काटा सिचुएटेड अलॉन्ग द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया, टाउन ऑफ अर्काटा जो कि कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में है,
आओ देखें क्या कह रहा है, कैलिब्रेटिंग विद बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट के साथ कैलिब्रेट करके, उनके साथ मिल करके, फ्रॉम द हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के थे, द टाउन्स पीपल, जो गांव के लोग थे, क्रिएटेड एन इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, वहां के लोगों ने एक इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर प्रोसेस अपनाई, इंटीग्रेटेड मतलब मिले जुला, विद इन अ नेचुरल सिस्टम, द क्लीनिंग ऑकर इन टू स्टेज, दो स्टेज में क्लीनिंग होती है, द कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन फिल्टरिंग एंड क्लोरिंग ट्रीटमेंट आर गिवन, पहला क्या होगा सेडिमेंटेशन, जो कंकड़ पत्थरों को बैठने दिया जाएगा, फिल्टर किया जाएगा और क्लोरीन को ऐड किया जाएगा, आफ्टर दिस स्टेज लॉट्स ऑफ डेंजरस पॉल्यूटेंट लाइक डिजॉल्व हैवी मेटल स्टिल रिमेन्स। अब ये काम तो हमने कर दिया, कंकड़ पत्थर बैठा दिए, फिल्टर कर दिया, क्लोरीन डाल दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे हैवी मेटल्स उसके अंदर डिजॉल्व हो रखे हैं। टू कॉम्बैट दिस, इसको ट्रीट करने के लिए, कॉम्बैट मतलब इससे निपटने के लिए, एन इनोवेटिव अप्रोच वॉज टेकन, एक इनोवेटिव अप्रोच ली गई। तो सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, द बायोलॉजिस्ट डेवलप अ सीरीज ऑफ सिक्स कनेक्टेड मार्शेस, छह कनेक्टेड दलदली एरिया को कनेक्ट किया, ओवर 60 हेक्टेयर ऑफ मार्शलैंड, है ना, एक के बाद एक छह मार्शलैंड को कनेक्ट किया, जो लगभग 10-10 हेक्टेयर के थे, 60 हेक्टेयर के हो गए। अप्रोप्रिएट प्लांट्स ऑफ एल्गी फंजाई एंड बैक्टीरिया वर सीडेड इनटू दिस एरिया, मतलब सीधी बात है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, यहां से पानी आ रहा है, अब ये जो पानी आ रहा है इन यहां से होता हुआ गुजरेगा, ये कितना है, लगभग 60 हेक्टेयर का है। इसके अंदर क्या चीज डाल दी गई है, एल्गी फंजाई एंड बैक्टीरिया, सीड, सीडेड का मतलब क्या हो गया, यानी कि बो दिया गया, सीड मतलब डाले गए, एल्गी फंजाई एंड बैक्टीरिया, ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज एब्जॉर्ब एंड एज्यूमुलेट द पॉल्यूटेंट, जो हैवी मेटल था उसको क्या कर लेंगे, ये न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो हार्मलेस बना देंगे, या एब्जॉर्ब कर लेंगे या एज्यूमुलेट कर लेंगे। हेंस एज द वाटर फ्लोज थ्रू द मार्शेस इट गेट प्यूरिफाइड नेचुरली, ये नेचुरली क्या हो जा रहा है, प्यूरिफाइड हो जा रहा है। तो पहला काम हमने ए वाला पार्ट जो पहला पार्ट था ए वाला, ये हमने आर्टिफिशियली कर लिया, मतलब हाथों से कर लिया, सेडिमेंटेशन फिल्टरिंग क्लोरीन वाला। दूसरा वाला पार्ट था ये नेचुरल हुआ, तो दोनों का क्या हो गया, ये कॉम्बिनेशन बना जा करके। बात समझ में आई, अब क्या कह रहा है ये, आओ देखें, द मार्शेस आल्सो कंस्टिट्यूट अ सेंचुरी विद अ हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ फिशेस। इसके अंदर सेंचुरी, सेंचुरी होती है ना जो एरिया था, हम लोगों ने देखा था पिछले चैप्टर में, जंगल टाइप का, ठीक है, विद अ हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ फिशेस एनिमल एंड बर्ड्स। जो मार्शेस मतलब ये जो एरिया था, ये क्या था, इसके अंदर सेंचुरीज भी थी, ठीक है, जिसके अंदर हाई लेवल ऑफ किसके थे, फिशेस थी, एनिमल्स थी, बर्ड्स डेट नाउ रिसाइड देयर, ठीक है, जो वहां पर अब रहती हैं। तो ऐसा नहीं केवल दलदली एरिया तो बर्बाद हो गया, जंगल नुमा भी है ये, ठीक है, यहाँ पर फिशेस भी हैं, एनिमल भी हैं और बर्ड भी हैं। अ सिटीजन ग्रुप कॉल्ड फ्रेंड ऑफ अर्काटा मार्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपकीप एंड सेफ गार्डिंग ऑफ दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट। अब कुछ लोगों ने एक ग्रुप बना लिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, FOAM, फ्रेंड ऑफ अर्काटा मार्स, जो क्या करती है, इस प्रोजेक्ट की देखभाल करती है और देखरेख मतलब देखभाल करती है और इसको रख रखाव रखती है एक तरह से। क्लियर है, ऑल दिस टाइम वी हैव एज्यूम दैट रिमूवल ऑफ वेस्ट रिक्वायर्स वाटर। इस पूरे समय हमने क्या एज्यूम किया कि रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, दैट इज द क्रिएशन ऑफ सीवेज। बट वट इफ वाटर इज नॉट नेसेसरी टू डिस्पोज ऑफ ह्यूमन वेस्ट लाइक एक्सरीटा, है ना, जितना टाइम हमने अभी क्या देखा कि जितना भी वेस्ट होता है उसे रिमूव करने के लिए पानी चाहिए। वो कह रहा है क्या हो अगर पानी की जरूरत ही ना हो ह्यूमन वेस्ट को हटाने के लिए, ठीक है, कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ वाटर डेट वन कैन सेव इफ वन डिडंट हैव टू फ्लश द टॉयलेट। कह रहा है क्या इमेजिन कर सकते हो अगर टॉयलेट को फ्लश ना करना पड़े तो कितना पानी बच जाएगा। अब सोच बड़ा अजीब लग रहा होगा, ऐसा कैसे संभव है, तो संभव है, अभी इसमें केस आने वाला है। वेल दिस इज ऑलरेडी अ रियलिटी, ये भी एक सच्चाई है, ऐसा है। इकोलॉजिकल सैनिटेशन इज अ सस्टेनेबल सिस्टम फॉर हैंडलिंग ह्यूमन, इकोलॉजिकल सैनिटेशन इज अ सस्टेनेबल सिस्टम, इकोलॉजिकल सैनिटेशन मतलब है ना, मतलब रख रखाव, हाइजीनिक रख रखाव, इकोलॉजिकल सैनिटेशन इज अ सस्टेनेबल सिस्टम फॉर हैंडलिंग ह्यूमन एक्सेट्रा यूजिंग कंपोस्टिंग टॉयलेट, ठीक है ना, अभी इसके बारे में बात करेंगे, एक खास तरह के टॉयलेट की बात कर रहा है। दिस इज अ प्रैक्टिकल हाइजीनिक एफिशियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल। एक्चुअली इसमें होता क्या है, बात करते हैं अभी। द की पॉइंट टू नोट हियर इज दैट विद दिस कंपोस्टिंग मेथड ह्यूमन एक्सेट्रा कैन बी रिसाइकल्ड इनटू रिसोर्स। इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, ह्यूमन एक्सेट्रा को
रिसोर्स एज ए नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं विच रिड्यूस द नीड फॉर केमिकल फर्टिलाइजर. देयर आर वर्किंग इकोसेन टॉयलेट. इसके बारे में बताता हूँ मैं क्या है ये इकोसेन. बस इसलिए मैंने पीछे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कोई मतलब नहीं है. अल्टीमेटली हमें बात करनी है इकोसेन टॉयलेट डेट में एरिया टॉयलेट इन मैनी एरियाज ऑफ केरला एंड श्रीलंका. तो होता क्या इकोसेन में आप समझते हैं टॉयलेट बनाई जाती है इस टाइप से. समझ लो घर होते हैं ये जैसे देखते हो ना बाहर पब्लिक टॉयलेट होती हैं. अच्छा इनको थोड़ा सा उठा के बनाया जाता है. कैसे बनाया जाता है उठा करके दो बनेंगी ठीक है. कैसी बनेंगी दो बनती हैं इस टाइप से बड़ी बड़ी होती हैं. यहाँ सीढ़ी लगा दी जाएगी. क्या लगा दी जाएगी सीढ़ी. चढ़ के ऊपर जाओ यहाँ पर क्या होगी टॉयलेट सीट लगी होगी. क्या लगी होगी टॉयलेट सीट लगी होती है ठीक है. ये बंद है अभी अभी एक साल दो साल में टॉयलेट करेंगे और सारा टॉयलेट जो है इस गड्ढे में नीचे जो इसके नीचे गड्ढा होता है उसमें सारा जो होता है इकट्ठा होता रहता है. जब ये पूरा भर जाता है इसको बंद मतलब इस टॉयलेट का दरवाजा बंद कर दिया जाता है इस वाले टॉयलेट को स्टार्ट कर दिया जाता है. अगले चार से पाँच महीने में जितना भी हमारा वेस्ट होता है डिकम्पोज होकर के किसमें बदल जाता है एक बहुत ही अच्छी खाद में बदल जाता है. फिर हम लोग क्या करते हैं इस यहाँ पीछे दरवाजा होता है इसको खोल करके ये सारा यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और फिर खेतों में डाल देते हैं. तो देखो पानी भी नहीं लगा ठीक है. ये वेस्ट कहाँ काम आ गया खेतों में काम आ गया. फिर जब तक ये भरेगा ये खाली कर दिया जाता है. तो यही है हमारे पास क्या इकोसेन. थोड़ा देखने में तुम लोग कहोगे सर ये तो बड़ा गंदा है लेकिन गाँव के हिसाब से सोचो जरा कितना अच्छा है ये है ना. ये वेस्ट जो हम लोग ले रहे हैं खाद का काम भी कर रहा है ये पानी भी बच रहा है दोनों काम हो रहे हैं. यही है हमारे पास क्या इकोसेन टॉयलेट. बात समझ में आई है ना. इसको तुम ऐसे ही समझ सकते हो जैसे हम लोग घरों में क्या होता है पानी वाले क्या होते हैं टैंक गड्ढे होते हैं जिसको जिसमें पॉटी वगैरह सारा जाता है वो सूखे ऐसे मान लो. एक बार जब भर जाएगा तो खाली कर लेंगे दूसरा भर जाएगा फिर खाली कर लेंगे. ये सूखा रहता है यहाँ कोई पानी नहीं होता है. क्लियर है. यही है इकोसेन टॉयलेट्स. इसी की बात चल रही थी. क्लियर. आगे आते हैं सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं. तो सॉलिड वेस्ट के बारे में बात करें तो क्या कह रहा है सॉलिड वेस्ट रेफर टू एवरीथिंग दैट गोज आउट इन ट्रैश. जो डस्टबिन में जा रहा है हमारे पास वो सब क्या सॉलिड वेस्ट है ना. घर का कोई भी चीज सॉलिड वेस्ट फटा हुआ कपड़ा कागज सब्जी का छिलका सब क्या है सॉलिड वेस्ट है. म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट आर वेस्ट फ्रॉम होम्स. जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है ये जो घर का वेस्ट होता है वो कहा जाता है. घर का वेस्ट हो ऑफिस का वेस्ट हो स्टोर का हो स्कूल का हो हॉस्पिटल का हो एक्सेट्रा ये क्या कहलाता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कहलाता है. तो ध्यान रखना मार्क कर लेना म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर कौन कौन आते हैं. अब डेट आर कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड बाय म्युनिसिपैलिटी है ना. म्युनिसिपैलिटी द्वारा ये डिस्पोज ऑफ किए जाते हैं. म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरली कंप्राइज पेपर फूड वेस्ट प्लास्टिक ग्लास मेटल्स रबर लेदर टेक्सटाइल एक्सेट्रा ना. घर की सारी चीजें होती हैं वही हैं. बर्निंग रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट. जलाएंगे तो इसका वेस्ट का वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है. ऑल्दो इट इज जनरली नॉट बर्न्ड टू कंप्लीशन एंड ओपन डम्प्स ऑफन सर्व एज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रैट्स एंड फ्लाइज. जलाएंगे तो होता क्या पूरा जलता भी नहीं है और अगर ओपन डंप कर देंगे खुले में छोड़ देंगे तो रैट चूहे और मक्खियों का घर बन जाएगा वहां पर. दिक्कत है फिर इसके लिए है ना. यानी कि हम उसको ऐसे डिस्पोज नहीं कर सकते हैं. इसके लिए क्या किया गया सैनिटरी लैंडफिल्स वर अडॉप्टेड. यानी कि हमने सैनिटरी लैंडफिल बता दूं मैं क्या है बड़े बड़े गड्ढे किए गए इन गड्ढों में कूड़ा डाल दिया गया और इसे बंद कर दिया गया ठीक है. आओ देखें तो सैनिटरी लैंडफिल्स वर अडॉप्टेड एज द सब्स्टिट्यूट फॉर ओपन बर्निंग डंप. खुले में डाल के जलाने से अच्छा है कि हम गड्ढा करें उसमें डाल दें. इन सैनिटरी लैंडफिल वेस्ट आर डंप्ड इन डिप्रेशंस और ट्रेंच. गड्ढे होते हैं आफ्टर कंपैक्शन डालते जाते हैं दबाते जाते हैं डालते जाते हैं दबाते जाते हैं एंड कवर्ड विद डर्ट एवरी डे है ना. धूल मिट्टी से उसे हर दिन कवर करते रहते हैं ठीक है. ये हो गया क्या सैनिटरी लैंडफिल. अब क्या कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है इफ यू लिव इन अ टाउन और सिटी डू यू नो वेयर द नियरेस्ट लैंडफिल साइट इज. क्या जानते हो तुम लोग घरों के आसपास कहां पर है. नहीं पता तो पता करना. क्वेश्चन दे दिया उसने. आगे आते हैं लैंडफिल्स आर ऑल्सो नॉट रियली मच ऑफ अ सोल्यूशन सिंस द अमाउंट ऑफ गार्बेज जनरेशन स्पेशली इन द मेट्रोज हैज इंक्रीज सो मच दैट दीज साइट्स आर गेटिंग फील्ड टू. अब भाई कितना एरिया कर लोगे 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर का एरिया. एक टाइम ये आएगा गड्ढे कर करके हम इसे पूरा भर चुके होंगे ना. क्योंकि डे बाय डे मेट्रो सिटीज में क्या है कूड़ा करकट बढ़ता ही चला जा रहा है. तो ये भी उसका तरीका नहीं है ठीक है ना. तो वो साफ साफ कह रहा है. दूसरी बात ऑल्सो देयर इज डेंजर. एक खतरा भी है सीपेज ऑफ केमिकल्स. अगर कोई केमिकल तुमने यहाँ डाल दिया है तो सीपेज मतलब रिसना. वो केमिकल रिसता हुआ कहाँ पहुँचेगा ग्राउंड वाटर के पास पहुँच जाएगा. ये ग्राउंड वाटर फिर हम लोग क्या करेंगे जब पंप के थ्रू ऊपर आएगा तो हम इसको पिएंगे भी. ये भी इसका एक खतरा है
तो दो बातें हो गई, कूड़ा करकट बढ़ता चला जा रहा है तो इतने ज्यादा लैंडफिल हम क्रिएट नहीं कर सकते, दूसरा सीपेज केमिकल अगर हार्मफुल केमिकल है तो रिसता हुआ कहां जाएगा, ग्राउंड वाटर तक आ जाएगा और दिक्कत करेगा। फ्रॉम दिस लैंडफिल पॉल्यूटिंग द अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, वही वाली बात हो गई यहां पर, आगे आते हैं। अ सॉल्यूशन टू ऑल दिस कैन ओनली बी इन ह्यूमन बीइंग्स बिकमिंग मोर सेंसिटिव टू दीज एनवायरमेंट इश्यूज, इसका सोल्यूशन यही है कि हम लोग थोड़ा सा एनवायरमेंट के लिए क्या रहे, सेंसिटिव रहे। ऑल वेस्ट दैट वी जनरेट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री टाइप, जितना वेस्ट पहले जनरेट हो उसको तीन कैटेगरी में तोड़ लिया जाए। पहला बायोडिग्रेडेबल, जो डिकम्पोज किया जा सकता है बैक्टीरिया के द्वारा, रिसाइक्लेबल जिनको हम द्वारा से यूज कर सकते हैं, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसको हम लोग मतलब जिसको बैक्टीरिया तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल गार्बेज जनरेटेड इज सॉर्टेड, जितना गार्बेज इकट्ठा होता है कूड़े में तो वो सॉर्टेड होना चाहिए, उसको हमको अलग अलग करना है। तुम लोगों ने अगर कभी नजर डाली हो कभी बस में या ट्रैवल करते हुए, कभी किसी बड़े से कूड़े के ढेर के पास से गुजर रहे हो जहाँ पर कुछ लोग लगे रहते हैं छटनी करते रहते हैं, प्लास्टिक अलग, लोहा अलग, ये अलग, छटनी करके वो लोग उसको क्या करते हैं, अलग करते रहते हैं, तो हमको इनको अलग करना है। वट कैन बी रीयूज और रिसाइकल शुड बी सेपरेटेड आउट, जिसको हम रीयूज कर सकते हैं रिसाइकल कर सकते हैं उसे अलग कर लेना चाहिए। अवर कबाड़ी वाला एंड रैग पिकर्स, जो पॉलिथिन पिक करते हैं, डू अ ग्रेट जॉब ऑफ सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स फॉर रिसाइकलिंग, ये बहुत अच्छा काम करते हैं सेपरेशन करने का। द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कैन बी पुट इनटू डीप पिट्स इन द ग्राउंड, जो बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं उनको तो गड्ढे में डाल दो, थोड़े कुछ महीनों सालों बाद वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बायोडिग्रेड हो गए, खत्म हो जाएंगे, बैक्टीरिया उनको खत्म कर देगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, ये नेचुरली ब्रेकडाउन हो गए कौन, बायोडिग्रेडेबल वाले, That leaves only the non-biodegradable to be disposed of. अब बचा क्या हमारे पास, जो रिसाइकल हो सकते थे वो अलग कर लिए, जो बायोडिग्रेड हो सकते थे वो अलग कर लिए, बचा क्या, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। That leaves only the non-biodegradable to be disposed of. The need to be reduce our garbage generation should be a prime goal. अच्छा यहां तक बातें खत्म कर दी उसने, कि हमारा बचा क्या रहेगा, केवल अला पार्ट बचा रहेगा। अब क्या कह रहा है, द नीड टू रिड्यूस अवर गार्बेज जनरेशन शुड बी अ प्राइम गोल, इंस्टीड वी आर इंक्रीजिंग द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट, तो कह रहा है द नीड टू रिड्यूस अवर गार्बेज जनरेशन शुड बी अ प्राइम गोल, गार्बेज का जो जनरेशन का जो यूज है उसको हमारा मेन गोल होना चाहिए रिड्यूस करना, इंस्टीड वी आर इंक्रीजिंग द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट, बजाय इसके हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो कह रहा है जरूरत है टू रिड्यूस अवर गार्बेज जनरेशन, ठीक है ना, ये हमारा मेन गोल होना चाहिए। कहानी बोल के इसने खत्म कर दी। जस्ट पिक एनी रेडीमेड पैकेट ऑफ एनी गुड क्वालिटी ईटेबल से अ बिस्कुट पैकेट एंड स्टडी द पैकेजिंग। डू यू सी द नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर यूज्ड, क्या तुमने देखा उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर यूज हुए हैं। नो डेट एटलीस्ट वन लेयर इज ऑफ प्लास्टिक, एक लेयर उसमें किसकी होने वाली, प्लास्टिक की होने वाली है। वी हैव स्टार्टेड पैकेजिंग इवन अवर डेली यूज प्रोडक्ट लाइक मिल्क एंड वाटर इन पॉलीबैग्स, हम लोगों ने रोज क्या करना स्टार्ट कर दिया, अब हर एक रोजमर्रा की चीज को पॉलीबैग में करना स्टार्ट कर दिया। इन सिटीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कैन बी बॉट पैक्ड इन ब्यूटीफुल पॉलीस्टाइरीन एंड प्लास्टिक पैकेजिंग, हर चीज प्लास्टिक में आ रही है। वी पे सो मच एंड वट वी डू, ठीक है ना, हम बहुत ज्यादा पे करते हैं और हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग करते क्या है, कॉन्ट्रीब्यूट हैविली टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इस तरीके से हम लोग एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं। तो कुछ नहीं है यहाँ पर, जस्ट उसने कहानी बस बता दी है, ठीक है, कि क्या हो रहा है, क्या करना है और किस तरीके से हम लोग एनवायरमेंट में पॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट अक्रॉस द कंट्री आर ट्राइंग टू पुश फॉर रिडक्शन इन यूज ऑफ प्लास्टिक, स्टेट गवर्नमेंट कोशिश कर रही है पूरी कंट्री में प्लास्टिक के यूज को कम करने के लिए, एंड यूज ऑफ इको फ्रेंडली पैकेजिंग, ऐसी पैकेजिंग जो बायोडिग्रेड हो जाए तो वो इको फ्रेंडली कहलाएगी। वी कैन डू, है ना, आजकल क्या हो गया है, बड़े बड़े चले जाओ तो शहरों कागज के बैग मिलने लगे हैं, है ना, तो वो इको फ्रेंडली है, गल जाएंगे वो। तो कह रहा है वी कैन डू अवर बिट बाय कैरिंग क्लॉथ और अदर नेचुरल फाइबर कैरिंग बैग व्हेन वी गो शॉपिंग एंड बाय रिफ्यूजिंग पॉलिथीन बैग, तो कह रहे हैं हम लोग इसमें थोड़ा सा अपनी तरफ से भी कुछ कर सकते हैं कि जब भी जाएं शॉपिंग के लिए तो खुद के घर का बना हुआ क्लॉथ का कपड़ा या घर में पहले से कोई फाइबर का बैग है तो उसको लेके जाएं, जिससे कि नई पॉलिथीन की जरूरत हमको ना पड़े। जब इस तरीके से धीरे धीरे क्या होंगे, जो शॉपकीपर है वो खुद ही पॉलिथीन रखना कम कर देंगे। तो कुछ नहीं है, कहानी सी है यहाँ पर, ठीक है, कि किस तरीके से ये दो बातें बता दी, तीन में छांटना है मेन मेन चीज़ें, यहाँ पर आगे आते हैं। अब क्या कह रहा है ये, नाउ
हॉस्पिटल जनरेट हजार्डस वेस्ट, हॉस्पिटल काफी खतरनाक वेस्ट प्रोड्यूस करता है डेट कंटेन डिसइंफेक्टेंट, इसके अंदर डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स एंड ऑल्सो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। अब ये बात पुरानी होगी, सब जानते हैं। सच वेस्ट ऑल्सो रिक्वायर केयरफुल ट्रीटमेंट, ऐसे वेस्ट को भी हमें केयरफुली ट्रीट करना होता है, डिस्पोज फेंकने से पहले इनको केयरफुली ट्रीट नहीं करेंगे तो पता चला बीमारियां फैलने लगेंगी आसपास के इलाकों में। द यूज ऑफ इनसेनरेटर्स इज क्रूशियल टू डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। इनसेनरेटर्स होते हैं हाई वोल्टेज 1000 वोल्ट वाले चैम्बर्स होते हैं, उसके अंदर चीजें को डालो और चीजें भस्म हो जाती हैं। भस्म मतलब समझ रहे हो, राख तक नहीं बचेगी, ठीक है ना। तो भस्म करने वाली जो मशीनें होती हैं उनको इंसेनरेटर्स कहा जाता है। भस्म कर देना, भस्म मतलब समझ रहे हो ना, राख तक नहीं बचेगी। जब कोई चीज ही नहीं बची तो काहे का पॉल्यूशन, धुआं भी नहीं उठेगा, राख भी नहीं बचेगी, पूरी तरीके से 100% बर्न हो जाती है जब कोई चीज, तो ना पीछे कोई चीज बचती है ना धुआं उठता है। क्लियर है? अब यहां से एक नई कहानी स्टार्ट कर दी, हॉस्पिटल के लिए बोल दिया भस्म कर दो। इररिपेरेबल कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब बहुत सारे जो कंप्यूटर हैं या मोबाइल्स वगैरह हैं जो रिपेयर नहीं हो सकते हैं, वो क्या हो गए, वो तो भाई चीजें ऐसी हैं कि उनको अर्थ में डाल दो तो वो गलेंगी भी नहीं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलते हैं या ई वेस्ट बोलते हैं। ई वेस्ट आर बरीड इन लैंडफिल्स, इनको हम लोग दफना देते हैं किसमें, लैंडफिल्स में गड्ढे कर करके दफना देते हैं और इनसेनरेटेड या भस्म करते हैं। ओवर हाफ ऑफ द ई वेस्ट जनरेटेड इन द डेवलप्ड वर्ल्ड आर एक्सपोर्टेड टू डेवलपिंग कंट्री, ये भी एक देखो जानने वाली बात है, मेनली टू चाइना इंडिया एंड पाकिस्तान वेयर मेटल्स लाइक कॉपर आयरन सिलिकॉन निकल एंड गोल्ड आर रिकवर्ड ड्यूरिंग रिसाइकलिंग प्रोसेस। जो डेवलप्ड कंट्री अमेरिका इंग्लैंड है ना, वहां का जो ई वेस्ट होता है उसको हमारी कंट्री इंपोर्ट कर लेती है कि भाई हमें दे दो, इतनी गरीबी है, ठीक है, उसे इंपोर्ट करके ये लोग क्या करते हैं उसके अंदर से जो मेटल्स हैं है ना, जो हमारा हमको पता है जो सीपीयू प्रोसेसर वगैरह होता है उसके अंदर गोल्ड का इस्तेमाल होता है, उसको निकालती है और रिसाइकलिंग प्रोसेस के थ्रू वापस से यूज करने की कोशिश की जाती है। तो क्या क्या होता है ई वेस्ट के अंदर, कॉपर आयरन सिलिकॉन निकल एंड गोल्ड, ये सब निकालने के बाद यानी कि धंधा प्रॉफिट में चला जाता है इन लोगों का, तो इसीलिए ये लोग इसको क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ओके, अनलाइक डेवलप कंट्री विच हैव स्पेसिफिकली बिल्ड फैसिलिटी फॉर रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट, रिसाइकलिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन इन्वॉल्व मैनुअल पार्टिसिपेशन दस एक्सपोजिंग वर्कर टू टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन ई वेस्ट। डेवलप कंट्री में तो अच्छी खासी फैसिलिटीज हैं खास जो मशीन के द्वारा ई वेस्ट को बर्बाद मतलब खत्म करती हैं, हमारी कंट्रीज में क्या है, इनके डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है, वर्कर्स के द्वारा करवाया जाता है। अब अगर कोई टॉक्सिक चीज है उस ई वेस्ट के अंदर तो डायरेक्ट वर्कर के टच में आएगा, नुकसानदायक होता है। रिसाइकलिंग इज द ओनली सोल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ई वेस्ट, रिसाइकलिंग एक इकलौता ऐसा तरीका है ई वेस्ट को ट्रीट करने का, प्रोवाइडेड इट इज कैरिड आउट इन एन एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैनर में किया जाए जिससे कि किसी को नुकसान ना हो तो ठीक है, अदरवाइज क्या हो सकता है, ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्लियर है? तो देखते हैं केस स्टडी ऑफ रिमेडी ऑफ फॉर प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट की रिमेडी के लिए एक केस स्टडी है, यहां पर बड़ा अच्छा केस स्टडी है, आओ देखते हैं। अब प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चरर, प्लास्टिक जो बनाता था एक मैन्युफैक्चरर इन बंगाल में, हैज मैनेज टू फाइंड द आइडियल सोल्यूशन टू एवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ एक्यूमुलेटिंग प्लास्टिक वेस्ट। उसने एक बहुत ही अच्छा आइडिया ढूंढा जो एक्यूमुलेट प्लास्टिक वेस्ट, जो प्लास्टिक धीरे धीरे क्या हो रही है इकट्ठी होती जा रही है, उसको हटाने के लिए उसके दिमाग में बड़ा अच्छा आइडिया आया। अहमद खान नाम है उसका, ठीक है ना, एज 57 थी उस समय, हैज बीन प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक सैक्स फॉर 20 ईयर, वो प्लास्टिक सैक्स बना रहा था 20 सालों से। अबाउट 8 ईयर अगो ही रियलाइज दैट प्लास्टिक वेस्ट वॉज अ रियल प्रॉब्लम, उसने जाना कि यार प्लास्टिक वेस्ट तो वाकई प्रॉब्लम है। फिर क्या हुआ, कहानी खत्म। पॉलीबैंड, अब एक नई बात शुरुआत कर दी एनसीईआरटी ने, अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक, ठीक है, वॉज डेवलप्ड देन बाय हिज कंपनी, उसकी कंपनी ने अब क्या किया, पॉलीबैंड बनाया, ठीक है ना, प्लास्टिक को मॉडिफाई करके एक खास केमिकल बनाया दैट इज पॉलीबैंड, दिस मिक्सचर इज मिक्स्ड विद द बिट्यूमेन, इसे बिट्यूमेन के साथ मिक्स करके यूज टू ले रोड, जो हमारे डामर वाली रोड होती है उसको बनाने के लिए उसने इसका क्या क्या इस्तेमाल किया, इन कोलैबोरेशन विद आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन, अहमद खान प्रूव दैट ब्लेंड्स ऑफ पॉलीबैंड एंड बिट्यूमेन, इन दोनों का जो मिक्सचर होगा व्हेन यूज टू ले रोड, इससे अगर मिलकर हम रोड बनाएं, इनहेंस द बिट्यूमेंस वाटर रिप्लेंट प्रॉपर्टी, जो बिट्यूमेन की वाटर रिप्लेंट प्रॉपर्टी होती है जो कि रोड में डाली जाती है, उसकी वाटर रिप्लेंट प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी जिससे कि बरसात
हमारी रोड को खराब नहीं करेगी जल्दी, एंड हेल्प टू इंक्रीज द रोड लाइफ बाय फैक्टर ऑफ 3, 3 गुना रोड की लाइफ बढ़ जाएगी। एक कहानी खत्म यहां पर, एक डाटा खत्म, ठीक है। अगला डाटा क्या है, द रॉ मटेरियल फॉर क्रिएटिंग पॉलीबैंड इज एनी प्लास्टिक फिल्म वेस्ट, कोई भी प्लास्टिक फिल्म वेस्ट हो उससे पॉलीबैंड बन सकता था। सो अगेंस्ट द प्राइस ऑफ 0.40 पर केजी, जो रैक पिकर्स थे ना कूड़े बीनने वाले, उनको प्लास्टिक का प्राइस क्या मिलता था, 40 पैसे एक किलो प्लास्टिक जब इकट्ठी कर लेते थे। उसने कहा कि तुम लोग एक काम करो, मेरे को प्लास्टिक ला के दो, मैं तुम्हें 6 रुपये पर केजी दूंगा। अब कूड़े बीनने वाले खुश, पूरे शहर का कूड़ा बीन डाला। अब पॉलिथीन ही खत्म हो गई थी एक टाइम के बाद, देखना सुनना आगे क्या कह रहा है। यूजिंग खास टेक्निक बाय द ईयर 2002 मोर देन 40 किलोमीटर रोड इन बेंगलोर हैज ऑलरेडी बीन लेड। 2002 तक लगभग 40 किलोमीटर रोड बनाई गई। एट दिस रेट खान विल सून बी रनिंग शॉर्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन बेंगलोर। बेंगलोर में प्लास्टिक वेस्ट ही नहीं मिलना बंद हो गया, क्यों, वो 6 रुपये किलो बिकने लगा। अब लोगों ने बीन बीन के सारे इकट्ठा करके लाकर इसको दे दिया, प्लास्टिक कहीं मिलता ही नहीं था, प्लास्टिक का वेस्ट। टू प्रोड्यूस पॉलीबैंड थैंक्स टू इनोवेशन लाइक पॉलीबैंड वी माइट स्टिल अवॉइड बींग स्मॉदर्ड बाय प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है ना। तो कह रहा है शुक्रिया पॉलीबैंड का, और थैंक्स इनोवेशन लाइक पॉलीबैंड वी माइट स्टिल अवॉइड बींग स्मॉदर्ड बाय प्लास्टिक वेस्ट, हमको बचना चाहिए प्लास्टिक वेस्ट से, ठीक है ना। आगे आते हैं, आगे है हमारे पास क्या, एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट्स। यहां तक बातें क्लियर हो गई हैं, चलो तो बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहे हैं आप, 16.4 एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स। एग्रोकेमिकल्स केमिकल्स जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होते हैं और उनके होने वाले इफेक्ट, ठीक है। इन द वेक ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन पता है ना, हमारी कंट्री में जब आया था तो हमारे कंट्री में फसलों की पैदावार कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। हुआ कैसे थे, हम लोगों ने इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कई बहुत ज्यादा किया था, ठीक है। अच्छा, जब इसका इस्तेमाल मैनीफोल्ड कई गुना बढ़ गया तो क्रॉप प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुई, नो डाउट, जरूरत भी थी उस चीज की। बट पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स फंगिसाइड एक्सेट्रा आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड। अब हुआ क्या, अच्छी फसलों के लिए पैदावार के लिए इनका इस्तेमाल लगातार बढ़ने ही लगा, बढ़ता जा रहा था। दिस इंसिडेंटली ऑल्सो टॉक्सिक टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म डेट आर इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सॉइल इकोसिस्टम। हुआ क्या, इत्तेफाक से फसल तो बढ़ रही थी लेकिन ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को भी टारगेट कर रहे थे, हर्बिसाइड वर्बिसाइड, जिनसे फसलों को नुकसान तो नहीं था लेकिन वो अच्छे सॉइल के लिए, सॉइल इकोसिस्टम के लिए जरूरी थे, ठीक है। डू यू थिंक दिस कैन बी बायोमैग्निफाइड इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, क्या तुम सोच सकते हो कि ये बायोमैग्निफाइड हो सकते हैं, दिस कैन बी बायोमैग्निफाइड इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो ऑब्वियसली बात है, डीडीटी वाला केस हमने देखा था, तो नो डाउट हो भी सकते हैं, ठीक है। वी नो व्हाट द एडिशन ऑफ इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन डू टू एक्वेटिक इकोसिस्टम, वी नो, हम जानते हैं व्हाट द एडिशन ऑफ इंक्रीजिंग अमाउंट एक्वेटिक में, हम लोगों ने देखा किस तरह से डीडीटी का बायोमैग्निफिकेशन हो रहा था विस-अ-विस यूट्रोफिकेशन, और साथ साथ में क्या हो रहा था, यूट्रोफिकेशन भी हो रहा था। द करंट प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर आर देयरफॉर एक्सट्रीमली ग्रेव, जो आज के टाइम पे एग्रीकल्चर की सिचुएशन है, इन सबका इस्तेमाल करने से एक्सट्रीमली ग्रेव, बहुत ज्यादा दुखदायक है, या ग्रेव मतलब होता है एक तरह से कब्रिस्तान टाइप का, यानी कि काफी हालत खराब है, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं और हमको ही पता है बहुत ज्यादा हम लोग आजकल ऑर्गेनिक सब्जी की बातें करने लगे हैं, जो खाद से बनी हो, गोबर वाले खाद से बनी हो, ठीक है, केमिकल वाले उससे ना बनी हो, ठीक है। केस रेडी करते हैं, ये तो बात हो गई, यहाँ पे हमने डिस्कस किया एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट्स की, केस स्टडी करते हैं क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि केमिकल इस्तेमाल ना करने पड़े। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात चल रही है यहाँ पर, यानी कि एक साथ कई सारी चीजों को मिला करके हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग करेंगे। इज ए साइक्लिकल, एक साइक्लिक गोल गोल घूमने वाला, यानी कि यहां से स्टार्ट होगी घूम के वहीं आएगी। जीरो वेस्ट प्रोसीजर, यहां पे वेस्ट हमारा जीरो होगा। वेयर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्रोसेस आर साइकल्ड इन एज न्यूट्रिएंट्स फॉर द अदर प्रोसेस, यहां पर क्या होगा, एक प्रोसेस का वेस्ट निकल करके दूसरे में जाएगा और दूसरी प्रोसेस में वो एज ए न्यूट्रिएंट काम करेगा, ठीक है, यानी कि वेस्ट होगा ही नहीं। कैसे, इसका एग्जांपल दे रखा है, समझेंगे अभी। दिस अलाउज द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसकी वजह से हम रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं ना, कोई भी वेस्ट नहीं है। एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, अब इससे क्या होगा, रिसोर्स पूरी तरीके से इस्तेमाल हो जाएंगे और प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। रमेश चंद्र डागर, ये नाम याद रखेंगे आप लोग, अ फार्मर इन सोनीपत, सोनीपत के फार्मर जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, इज डूइंग जस्ट दिस, वो यही कर रहे हैं। ही इंक्लूड्स बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्टिंग एंड एग्रीकल्चर इन ए चेन प्रोसेस।
किन चीजों को एक साथ किन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन और डेयरी मैनेजमेंट यानी कि दूध, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्टिंग जो खड्डे अड्डे खोद के जो खादत करते हैं, और एग्रीकल्चर, ठीक है, इन सबको मिला करके एक साथ एक चेन बना ली है, इंटीग्रेट कर लिया है, एक का वेस्ट दूसरे में इस्तेमाल करेंगे, कैसे देखते हैं, विच सपोर्ट ईच अदर एंड अलाउ एंड एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल एंड सस्टेनेबल वेंचर, ये काफी ज्यादा इकोनॉमिकल और सस्टेनेबल वेंचर है, ठीक है, देयर इज नो नीड टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स फॉर क्रॉप, कह रहे हैं यहाँ फसलों के लिए हमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत नहीं है, एज कैटल एक्सरीटा डंग जो डेयरी मैनेजमेंट से डंग आ रहा है, काउडंग आ रहा है, आर यूज एज मैन्योर, उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर ले रहे हैं, मैन्योर की तरह, क्रॉप वेस्ट इज यूज टू क्रिएट कंपोस्ट, जो क्रॉप का वेस्ट होता है उससे हम लोग क्या बना ले रहे हैं, कंपोस्ट, है ना, गड्ढा खोद के लगा देते हैं, फिर वो बाद में खाद की तरह काम करेगा, विच कैन बी यूज एज नेचुरल फर्टिलाइजर और कैन बी यूज टू जनरेट नेचुरल गैस फॉर सेटिस्फाइंग द एनर्जी नीड्स, ठीक है ना, लाइट चली गई है शायद, देखो आ जाएगी अभी, ठीक है, जनरेट नेचुरल गैस फॉर सेटिस्फाइंग द एनर्जी नीड्स, तो उसी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एनर्जी नीड्स के लिए हम लोग गैस भी बना रहे हैं, नेचुरल गैस बना रहे हैं ऑफ द फार्म, फिर क्या कह रहा है, एंथुसियास्टिक अबाउट स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन एंड हेल्प ऑन प्रैक्टिसेस ऑफ इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मर डागर हैज क्रिएटेड, इस प्रोसेस को वो चारों तरफ फैलाना चाह रहे थे और इसके लिए उन्होंने क्या किया, क्रिएट किया हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब विद अ करंट मेंबरशिप ऑफ 5000 फार्मर, उन्होंने एक हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब स्टार्ट किया, आज की तारीख में उसमें कितने हैं, 5000 फार्मर हैं, तो ये बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये सब चीजें, इंटीग्रेटेड फार्मिंग है ना, सभी चीजों का एक साथ इस्तेमाल किया गया और चीजों को यूज किया गया है, क्लियर है, चलो राइट आ गई है, नाउ रेडियो एक्टिव वेस्ट, तो देखते हैं क्या है हमारे पास रेडियो एक्टिव वेस्ट में, रेडियो एक्टिव मतलब समझ रहे हो ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह में जो हम लोग क्या कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उस यूरेनियम का जो बच जाता है बाद में उसको हम लोग किस तरीके से डिस्पोज करेंगे, किस तरह से ख़त्म करेंगे, ठीक है, उसको कहाँ पर ले जा करके दफनाएं कि वो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट ना करे, वही सब बातें होने वाली हैं। इनिशियली न्यूक्लियर एनर्जी वॉज हेल्ड एज ए नॉन पोल्यूटिंग वे, शुरुआत में इसको क्या कहा गया कि ये नॉन पोल्यूटिंग वे ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी है, लेटर ऑन बाद में इट वॉज रियलाइज दैट द यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी हैज़ टू वेरी सीरियस इनहेरेंट प्रॉब्लम, इसकी दो इनहेरेंट जन्मजात प्रॉब्लम है इसका इस्तेमाल करने के, पहला द फर्स्ट इज एक्सीडेंटल लीकेज, अगर गलती से लीकेज हो गया तो रेडियोएक्टिव वेव्स पता है ना क्या बैड इफेक्ट डालती है बॉडी के ऊपर, एज ऑकर्ड इन द 3 Mile आईलैंड एंड चेर्नोबाइल इंसिडेंट एंड द सेकेंड इज सेफ डिस्पोजल ऑफ द रेडियोएक्टिव वेस्ट, ठीक है ना, तो क्या कह रहा है द फर्स्ट इज एक्सीडेंटल लीकेज, पहला बोल रहा कि अगर एक्सीडेंटल लीकेज हो जाए, एज ऑकर्ड इन कहाँ हुआ था, द 3 Mile आईलैंड एंड चेर्नोबाइल इंसिडेंट, घटना के बारे में बात बता रहा है, चाहो तो इसको चेक करना नेट पर डाल के कि ये क्या घटनाएं हुई थी, वहाँ लीकेज हुआ था, और सेकेंड है इसका डिस्पोजल, ये लीकेज और डिस्पोजल बहुत बड़ी समस्या है अपने आप में, किसको, रेडियोएक्टिव वेस्ट को लेकर के, रेडिएशन जो उससे तरंगे निकलती हैं, डेट इज गिवन ऑफ बाय न्यूक्लियर वेस्ट जो कि उससे बाहर निकलती है, एक्सट्रीमली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के लिए काफी ज्यादा डैमेजिंग है, बिकॉज इट कॉजेज म्यूटेशन एट वेरी हाई रेट, ये क्या करता है, म्यूटेशन करता है, म्यूटेट कर देगा तो ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, एट हाई डोजेस न्यूक्लियर रेडिएशन इज लीथल, घातक है, बट एट लोअर डोजेस इट क्रिएट्स वेरियस डिसऑर्डर, हाई डोज में तो घातक है, प्राण ले सकता है, बट लोअर डोज में क्या है ये, वेरियस डिसऑर्डर, कई डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है, तो ये मार्क करेंगे यहां पर, हाई डोज घातक है, प्राण घातक है, लो डोज है वो डिसऑर्डर क्रिएट कर देगी, द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑफ ऑल बींग कैंसर, जो सबसे ज्यादा कॉमन डिसऑर्डर है वो क्या है, कैंसर है, देयरफॉर इसलिए न्यूक्लियर वेस्ट इज एन एक्सट्रीमली पोटेंट पॉल्यूटेंट एंड हैज टू बी डील्ड विद अटमस्ट कॉशन, कह रहा है देयरफॉर न्यूक्लियर वेस्ट इज एन एक्सट्रीमली पोटेंट, सबसे ज्यादा कहते नहीं क्षमता रखने वाला, सबसे ज्यादा कोई खतरनाक पॉल्यूटेंट है तो वो यही है, इसीलिए इसको डील करना चाहिए अटमस्ट कॉशन, पूरी कहते ना क्षमता से इसको डील करना चाहिए, कोई दिक्कत ना, मतलब ऐसा ना हो कोई डिस्पोज करते वक्त कोई चूक ना हो जाए, ठीक है, आगे आते हैं, इट हैज बीन रिकमेंडेड दैट स्टोरेज ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, ये रिकमेंड किया जाता है कि न्यूक्लियर वेस्ट को स्टोर न्यूक्लियर वेस्ट आफ्टर सफिशियंट प्री ट्रीटमेंट, इसको जो रिकमेंड ऑफ स्टोरेज ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट आफ्टर सफिशियंट ऑफ प्री ट्रीटमेंट,
यानी कि इस वेस्ट को स्टोर करना है या कहीं दफनाना है, इसका प्री ट्रीटमेंट होना चाहिए। प्री ट्रीटमेंट होने से क्या होगा, जैसे कि हम लोग गंदे पानी को नदियों में डालते हैं तो पहले प्री ट्रीटमेंट कर देते हैं, जिससे कि नदी में जाने को उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहता है। तो वही प्री ट्रीटमेंट की बात कर रहा है ये यहाँ पर। कैसे करते हैं देखते हैं क्या बोल रहा है। शुड बी डन इन सुटेबली शील्डेड कंटेनर बरीड विद इन द रॉक। कह रहा है आफ्टर सफिशियंट प्री ट्रीटमेंट, सफिशियंट प्री ट्रीटमेंट करने के बाद, वो प्री ट्रीटमेंट क्या है यहाँ पे उसका कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। तो प्री ट्रीटमेंट किया जाएगा, शुड बी डन इन सुटेबली शील्डेड कंटेनर्स, ठीक है। जो कंटेनर किया जाएगा, जो कंटेनर होते हैं चारों तरफ से अच्छे से पैक होने चाहिए, फिर उनको हम बरी कर देंगे, दफना देंगे चट्टानों के बीच में, अबाउट 500 मीटर डीप बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से करीब करीब 500 मीटर अंदर दफनाएंगे। हाउएवर दिस मेथड ऑफ डिस्पोजल इज मीटिंग स्टिफ अपोजिशन। इस मेथड का ना काफी अपोज हुआ, विरोध हुआ फ्रॉम द पब्लिक। व्हाई, अब कह रहे हैं व्हाई डू यू थिंक दिस मेथड ऑफ डिस्पोजल इज नॉट एग्रीएबल इन मैनी पीपल। ऑब्वियसली बात है 500 मीटर दफना दिया है और अगर वो लीक कर गया ये कंटेनर तो वो रेडिएशन कहाँ आएंगे, पानी में आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो यही सब बातें थी यहाँ पर, कुछ खास नहीं है। तो वो ध्यान रखना, न्यूक्लियर को लेकर के दो इंसिडेंट बताए गए हैं, ये दो इंसिडेंट याद रखोगे, और दो प्रॉब्लम लीकेज और उसका डिस्पोजल, ठीक है। हाई डोज में लीथल है, लो डोज में डिसऑर्डर क्रिएट करती है। सबसे ज़्यादा डिसऑर्डर क्या होता है इसका, कैंसर क्रिएट करता है। आगे आते हैं अब, ग्रीन हाउस इफेक्ट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा और पढ़ लें यहाँ पर। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग है ना, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है बढ़ती जा रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिससे जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फिनोमिनन दैट अकर्स इन ग्रीन हाउस। एक्चुअली क्या था, जब ठंडे इलाके होते हैं है ना, जैसे कि कोल्ड कंट्रीज हैं, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ सब्जियां उगाते हैं, बड़ा सा एरिया होता है, उस बड़े से एरिया को हम लोग किसमें, चलो घर बना लिए, ये कांच के घर होते हैं, किसके होते हैं, ग्लास के, जो कांच के घर होते हैं, ठीक है। और क्योंकि इसके अंदर हरी हरी सब्जियां होती हैं तो ग्रीन हाउस ग्लास जैसा मालूम पड़ता ही है, तो ग्रीन हाउस हरा हरा घर दिखता है। कांच क्या करता है, लाइट, पता ना जैसे गाड़ी कार में बैठे हो गए अगर, तो कार के दरवाजे बंद होते हैं तो अंदर बहुत हीट हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है, जो रेज आती हैं फिर जो टकराने के बाद रेडिएशंस होती हैं, ग्लास उसको वापस जाने नहीं देती क्योंकि उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। तो यहीं से वर्ड आ गया ग्रीन हाउस, ठीक है। तो कह रहा है, हैव यू एवर सीन अ ग्रीन हाउस, क्या तुमने कभी ग्रीन हाउस देखा है। इट लुक लाइक अ स्मॉल ग्लास हाउस एंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स स्पेशली ड्यूरिंग विंटर। सर्दियों में ऐसे प्लांट्स उगाए जाते हैं जहां पे उसको थोड़ी सी गर्मी ज्यादा चाहिए होती है, ग्लास के बने होते हैं, स्मॉल ग्लासेस से बता दिया मैंने। इन अ ग्रीन हाउस द ग्लास पैनल लेट्स द लाइट इन, ग्लास पैनल लाइट को अंदर तो आने देता है बट डज नॉट अलाउ हीट टू एस्केप। लाइट अंदर तो आ गई लेकिन हीट को फिर वो वापस जाने नहीं देता है। देयर फॉर द ग्रीन हाउस वार्म्स अप, इसीलिए ग्रीन हाउस गर्म हो जाता है, वेरी मच लाइक इनसाइड अ कार, जिस तरह से कार अंदर से गर्म हो जाती है। डेट हैज बीन पार्क्ड इन द सन फॉर अ फ्यू आवर, अगर उसको हम धूप में खड़ी करते हैं तो कार जिस तरह से अंदर से गर्म हो जाती है, ठीक उसी तरीके से जो ग्रीन हाउस होता है हमारा अंदर से गर्म हो जाता है। ओके, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरली ऑकरिंग फिनोमेना डेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस। ये एक नेचुरल फिनोमेना भी है, अर्थ पे अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो अर्थ बहुत ठंडी हो जाएगी। अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना हो CO2 वगैरह, तो रात के समय -180 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाए, ठीक है। खैर अभी देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। एंड एटमॉस्फेयर, तो क्या कह रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरली ऑकरिंग फिनोमेना डेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। जो यहाँ का एटमॉस्फेयर गर्म बना रहता है ना सूरज के ढलने के बाद भी, बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। कह रहा है यू वुड बी ओके, यू वुड बी सरप्राइज टू नो डैट विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर एट सर्फेस ऑफ अर्थ वुड हैव बीन चिली -18 डिग्री सेंटीग्रेड रेदर देन द प्रेजेंट एवरेज ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ग्रीन हाउस गैस ना हो तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाए, जो कि आज के टाइम पर कितना रहता है, -15 डिग्री। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट इट इज नेसेसरी टू नो द फेट ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट डेट रीचेज द आउटरमोस्ट एटमोस्फेयर। ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के लिए हमें जो एनर्जी आ रही है उसका फेट समझना, फेट मतलब भविष्य समझना पड़ेगा कि आखिर उसका होता क्या है, ठीक है। तो कह रहा है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट इट इज नेसेसरी, जरूरी है टू नो द फेट, क्या होगा आगे जाकर के, एनर्जी ऑफ सनलाइट डेट रीचेज द आउटरमोस्ट एटमोस्फेयर, जो आउटरमोस्ट एटमोस्फेयर पे अर्थ
सूरज की रोशनी आ गई है, उसके साथ क्या होता है? फिगर 16.6 सनलाइट एनर्जी एट द आउटरमोस्ट एटमॉस्फेयर। और देखें क्या कह रहा है ये, तो देखो क्या कह रहा है, सन लाइट आती है, ठीक है ना, ये है यहां पर ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है लाइक इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ एंड एमिट इट अगेन टुवर्ड्स द अर्थ। द साइकिल कंटिन्यू टिल द अर्थ सर्फेस हैज नो लॉन्ग वेव रेडिएशन टू एमिट, ठीक है ना। यानी कि होता क्या है, लाइट टकराने के बाद लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये ग्रीन हाउस क्या करती है, ये ध्यान रखना क्वेश्चन है, ये लॉन्ग वेव लंबी वेव को एंड जस्ट लाइक इंफ्रारेड वेव इनको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करके वापस अर्थ में भेज देती है। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि अर्थ के पास लॉन्ग वेव खत्म ना हो जाए, है ना। द साइकिल कंटिन्यू टिल द अर्थ सरफेस हैज नो लॉन्ग वेव रेडिएशन टू एमिट। अर्थ के सरफेस के पास जब तक कोई लॉन्ग वेव रेडिएशन एमिट करने के लिए नहीं रह जाती है तब तक ये सिलसिला चलता रहता है। लाइट आएगी, लॉन्ग वेव जाएगी, फिर वो भेजेगा, फिर जाएगी, फिर वो भेजेगा। क्लियर है? तो बस यही कहानी थी। अब क्या कह रहा है, क्लाउड्स एंड गैसेस रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो हम कहां थे, तो कह रहा है क्लाउड्स एंड गैसेस रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। क्लाउड्स एंड गैसेस रिफ्लेक्ट कर देती है अबाउट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो सोलर रेडिएशन आ रही है उसकी एक चौथाई को रिफ्लेक्ट कर देती है एंड एब्जॉर्ब सम ऑफ इट, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन अर्थ सर्फेस हीटिंग इट वाइल अ स्मॉल प्रपोर्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है ना। अब कहानी समझ लो क्या है, जो क्लाउड्स और गैसेस हैं रिफ्लेक्ट कर देती हैं अबाउट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो इनकमिंग है उनको रिफ्लेक्ट कर देगी ये, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है जो ये क्या करते हैं, जो रेज आ रही है उनको रिफ्लेक्ट कर दिया वाइल अ स्मॉल प्रपोर्शन इज रिफ्लेक्टेड, एक मिनट कहाँ थे हम लोग, ठीक है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन द अर्थ इनकमिंग रेडिएशन एंड एब्जॉर्ब सम ऑफ इट, कुछ को एब्जॉर्ब कर लेती है, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन, लगभग आधी सोलर रेडिएशन जो आ रही है फॉल्स ऑन अर्थ सर्फेस हीटिंग इट, ठीक है ना। तो आगे कह रहा है व्हाइल अ स्मॉल प्रपोर्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक, कुछ प्रपोर्शन क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक होता है, अर्थ सर्फेस री एमिट हीट इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड। टकराने के बाद अर्थ सर्फेस हीट होती है, गर्म हो गई वापस से हीट को रेडिएट करती है ना, कोई चीज गर्म हो जाएगी तो वापस से अपने अंदर से हीट निकालेगी, री एमिट हीट इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड। ये मार्क करेंगे कि अर्थ जो है हीट को री एमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। किस फॉर्म में एमिट करती है, इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में, ठीक है ना। बट अ पार्ट ऑफ दिस डज नॉट एस्केप, बट पार्ट ऑफ दिस डज नॉट एस्केप इन टू द स्पेस एट एटमोस्फेरिक गैसेस। जो इंफ्रारेड रेज अर्थ ने वापस भेजी हैं, ठीक है ना, वो स्पेस में नहीं जा पाती हैं। कहाँ नहीं जा पाती हैं, स्पेस में। क्यों नहीं जा पाती हैं, बिकॉज ऑफ कुछ एटमॉस्फेरिक गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एटसेट्रा, जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। एब्जॉर्ब अ मेजर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ इट, उसको काफी ज्यादा ये गैसेस क्या करती हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेंगी। द मॉलिक्यूल ऑफ दीज गैसेस रेडिएट हीट एनर्जी, अब उनको एब्जॉर्ब करने के बाद ये मॉलिक्यूल वापस से हीट एनर्जी रेडिएट करते हैं एंड अ मेजर पार्ट ऑफ विच अगेन कम्स टू द अर्थ सर्फेस। अब देखो क्या हो रहा है, बात समझ में आई, ये सारी कहानी थी, अर्थ से हीट गई इन मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल हीट हुए, इन्होंने वापस हीट को रेडिएट कर दिया अर्थ की तरफ, तो अर्थ हमारी गर्म बनी हुई है, ओके। दस हीटिंग इट अप वंस अगेन, दिस साइकिल इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। द अबव मेंशन गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर कॉमनली नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस, फिगर 16.7, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस में तो ऐसी होता है, टकरा के रेज वापस आती रहती है कांच के अंदर। तो देखो ग्रीन हाउस रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पे लिखी दो ही गैसे हैं, कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, बट एक्चुअली चार हैं, 1, 2, 3, 4, सबसे ज्यादा CO2, ठीक है ना, देन मीथेन, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड देन N2, ठीक है। तो याद रखेंगे चार गैसेस, एग्जाम में कई बार आ रखा है ये। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस हैज लेड टू द कंसिडरेबल हीटिंग ऑफ अर्थ लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, अब लगातार CO2 बढ़ता जा रहा है तो अर्थ का एटमोसफेयर क्या होता जा रहा है, गर्म होता चला जा रहा है, और हम इसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का दिक्कत क्या है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, अगर ग्लेशियर्स पे जो बर्फ जमी हुई है वो पिघल के पोलर जो बर्फ है पिघल के समुद्रों में आ जाएगी, तो समुद्र का पानी निकल के बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा और कई सारे शहर डूबना स्टार्ट हो जाएंगे।
ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी पिछले 100 साल में द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज इंक्रीज बाय 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड मोस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट 3 डिकेड और 0.6 में सबसे ज्यादा पिछले 30 सालों में बढ़ा है ये बात समझ में आ रही है अब क्या कह रहा है साइंटिस्ट बिलीव दैट दिस राइज इन टेम्परेचर इज लीडिंग टू टेरिटोरियस चेंज इन द एनवायरमेंट एंड रिजल्टिंग इन ऑड क्लाइमेटिक चेंजेस इसकी वजह से कह रहा है जो टेम्परेचर में चेंज आया है इसकी वजह से एनवायरमेंट के ऊपर कुछ बड़े बुरे असर आ रहे हैं जिसमें एक असर का नाम है एल नीनो इफेक्ट ठीक है अब एल नीनो इफेक्ट क्या है डिटेलिंग अपने कोर्स में नहीं है एक इफेक्ट होता है ठीक है एनवायरमेंट का इफेक्ट है जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि बे टाइम कई बार बरसात होती है तो इसी टाइप से कुछ बैड इफेक्ट है एनवायरमेंट के ऊपर दस लीडिंग टू इंक्रीज मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एज वेल एज ऑफ अदर प्लेसेस लाइक द हिमालयन स्नो कैप्स ओवर मेनी ईयर दिस विल रिजल्ट इन राइज इन सी लेवल देखो क्या कह रहा है पोलर आइस कैप और हिमालयन स्नो कैप अगर पिघलेगी तो सी का लेवल इंक्रीज कर जाएगा दैट समर्ज मेनी कोस्टल एरिया समर्ज मतलब डुबा देगी उसके आसपास के कई सारे एरियाज को द टोटल स्पेक्ट्रम ऑफ चेंज दैट ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग अबाउट इज अ सब्जेक्ट दैट इज स्टिल अंडर एक्टिव रिसर्च कह रहा है टोटल स्पेक्ट्रम ऑफ चेंजेस दैट ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग अबाउट टोटल स्पेक्ट्रम ऑफ चेंजेस जो स्पेक्ट्रम का टोटल चेंजेस है दैट ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग अबाउट जो ग्लोबल वार्मिंग ला सकता है ठीक है इस सब्जेक्ट दैट इज स्टिल अंडर एक्टिव रिसर्च इसको क्या किया जा रहा है अभी रिसर्च के उसमें है रिसर्च किया जा रहा है कि कैसे क्या क्या चीजें हो रही है खैर मेन चीज हमको क्या समझना है कि मेन क्या है हमारे पास ये इफेक्ट क्या आ गया है एल नीनो इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग से एक तो एल नीनो इफेक्ट है प्लस पोलर आइस और हिमालयन आइस क्या हो रही है पिघल रही है क्लियर है आगे आते हैं हाउ कैन वी कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग क्वेश्चन उठ रहा है ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए द मेजर्स इंक्लूड कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल का यूज कम करें इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूजेस जो एनर्जी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाए मशीनों की रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन पेड़ों को काटना बंद किया जाए प्लांट उगाना शुरू किया जाए स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ को रोका जाए इंटरनेशनल इनिशिएटिव आर ऑल्सो बीन टेकन टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन टू द एटमोसफियर इंटरनेशनल लेवल पर भी हमको ये देखना पड़ेगा कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका एमिशन को हम लोग किस तरीके से क्या कर सकें रोक सकें तो आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी कि ग्रीन हाउस गैसेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही था कि ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं ठीक है कहां से निकलती हैं और क्या इफेक्ट डाल रही हैं क्लियर है चलो तो फिर चलते हैं आगे हम लोग अब बात होती है ओजोन डिप्लीशन की ये भी हम लोग क्या है पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ओजोन डिप्लीशन O3 की जो लेयर होती है जो एटमॉस्फेयर में ऊपर पाई जाती है जो कि क्या करती है अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है ओके ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर कहां पाई जाती है ये भी क्वेश्चन है स्ट्रेटोस्फेयर में होती है कौन सी लेयर में होती है स्ट्रेटोस्फेयर में आओ देखें क्या कह रहा है यू हैव अर्लियर स्टडीड इन द केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 11 है ना क्लास 11 का जो लास्ट चैप्टर है 14 वाला वहां पे हम लोग इसको पढ़ चुके हैं अबाउट बैड ओजोन फॉर्म्ड इन द लोअर एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर ये मार्क करेंगे क्वेश्चन आता है डेट हार्म्स प्लांट्स एंड एनिमल्स ये जो है ये प्लांट्स और एनिमल को अफेक्ट करती है देयर इज अ गुड ओजोन ऑल्सो यहां पर एक गुड ओजोन भी होती है दिस ओजोन इज फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर एंड इट एक्ट एज ए शील्ड एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन ये एक शील्ड की तरह काम करती है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है बच्चों मैं एक चीज बता दूं बहुत ज्यादा रिसर्च में मत पड़ जाना ट्रोपोस्फेयर कितनी लेयर है 10 लेयर है बैड ओजोन क्या कंपोजिशन है ये इन सब रिसर्च में मत पड़ जाना डाटा है दो ओजोन लेयर होती है गुड बैड बैड ट्रोपो में पाई जाती है ये स्ट्रेटो में पाई जाती है खेल खत्म डाटा है हमें एग्जाम क्लियर करना है बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करनी है ठीक है ना हमको क्या करना है अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो एक सीट चाहिए सबसे पहले और अगर एक सीट की दावेदारी पक्की हो गई है फिर हम रैंक को पाने की कोशिश करेंगे ठीक है ना तो पहले जो डाटा है उस डाटा को हम लोग क्या करेंगे याद करने की कोशिश करेंगे रिसर्च बाद में करेंगे ओके आगे आते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेज कौन एब्जॉर्ब करता है ओजोन गुड ओजोन यूवी रेज आर हाईली इंजूरियस टू लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंस डीएनए एंड प्रोटीन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिफरेंशियली एब्जॉर्ब यूवी रेज एंड इट हाई एनर्जी ब्रेक द केमिकल बॉन्ड विद इन दीज मॉलिक्यूल्स ठीक है ना अब देखो क्यों खतरनाक है ये यूवी लाइट हमारा डीएनए और प्रोटीन मार्क करेंगे इस चीज को वेरी इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी का डीएनए और प्रोटीन इसको अब्सॉर्ब करने की क्षमता रखता है प्रिफरेंशियली अब्सॉर्ब करता है सबसे पहले किसी लाइट को अब्सॉर्ब करके यूवी लाइट को आ जाओ भैया तुम अब्सॉर्ब हो जाओ आओ आगे हमें तोड़ो अब अगर प्रोटीन और डीएनए प्रोटीन छोड़ो डीएनए टूटा अगर
तो बीमारियां पैदा होंगी कि नहीं होंगी, जस्ट लाइक कैंसर, ठीक है ना। तो ब्रेक करता है केमिकल बॉन्ड विद इन द सेल्स कह लो या विद इन दिस मॉलिक्यूल, इनको तोड़ना स्टार्ट कर देता है ये। द थिकनेस ऑफ द ओजोन इन कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमोसफियर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डॉब्सन यूनिट। ये मार्क कर लेंगे डॉब्सन यूनिट, ओजोन की जो थिकनेस को नापा जाता है, किसको नापा जाता है, थिकनेस को। क्यों खतरनाक है ये समझ में आया, किसमें नापा जाता है, उसकी थिकनेस नापने के लिए जो यूनिट है वो है डॉब्सन यूनिट। क्लियर है, ठीक है। अच्छा जो डायग्राम है फिगर, उनके नीचे की बातें पढ़ लिया करना है, छोड़ना नहीं, ठीक है ना। ओजोन होल इज द एरिया अबव अंटार्कटिका, या अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल को दिखा रहे हैं, शोन इन पर्पल कलर, ठीक है ना। ये जो पर्पल कलर में दिख रहा है, वेयर द ओजोन लेयर इज द थिनेस्ट, बहुत पतली है। ओजोन थिकनेस इज गिवन इन डॉब्सन यूनिट, सी केयरफुली द स्केल शोन इन कलर वायलेट टू रेड, ठीक है ना, जो वायलेट से रेड के बीच में दिखाया जा रहा है कलर। ओके, द ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका डेवलप्स ईच ईयर बिटवीन लेट अगस्त, ठीक है ना, एंड अर्ली अक्टूबर। ये रहा डाटा, एक कब डेवलप होता है ये, बिटवीन लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर, कर्टसी नासा, नासा का पिक्चर है ये। क्लियर है, तो ये सब बातें छोड़नी नहीं है, क्वेश्चन कई बार उठ के आते हैं, यहाँ से आगे आते हैं। ओजोन गैस इज कंटिन्यूसली फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेस, ओजोन को खुद यूवी लाइट बना रही है ऑन मॉलिकुलर ऑक्सीजन। होता क्या है, O2 होता है, इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है यूवी तो ये ब्रेक कर जाता है O और O में, और अगले O से मिल करके क्या बना देती है, O3 बना देती है। क्लियर है, तो कह रहा है एंड ऑल्सो डिग्रेडेड इंटू मॉलिकुलर ऑक्सीजन इन द स्ट्रेटोस्फीयर, वापस टूट भी जाती है O2 और O में, चलता रहता है ये O3 में बनना, O में टूटना, ठीक है। तो कहाँ टूट रहा है ये, स्ट्रेटोस्फीयर में। क्लियर है, तो यूवी रेज ऑन मॉलिकुलर ऑक्सीजन एंड ऑल्सो डिग्रेड इंटू मॉलिकुलर ऑक्सीजन इन द स्ट्रेटोस्फीयर, बना भी रही है तोड़ भी रही है। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन, या बैलेंस है, जितना बनेगा उतना टूटेगा, बट ह्यूमन एक्टिविटी ने हर चीज बर्बाद करके रखी हुई है, ठीक है ना। ऑफ लेट द बैलेंस हैज बीन डिस्टरप्टेड ड्यू टू द एनहेंसमेंट ऑफ ओजोन डिग्रेडेशन बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो हम लोग एसी फ्रिज में इस्तेमाल करते हैं ना ठंडे की चीजों के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसने आकर के सारी कहानी बिगाड़ दी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन फाइंड वाइड यूज एज रेफ्रिजरेंट, है ना, फ्रिज में इस्तेमाल होता है ठंडा करने के लिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिस्चार्ज इन द लोअर पार्ट ऑफ द एटमोसफियर, वहां पर डिस्चार्ज होता है, मूव अपवर्ड, ऊपर बढ़ता है एंड रीच द स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचेगा। इन स्ट्रेटोस्फीयर यूवी रेज एक्ट ऑन देम रिलीजिंग सीएल एटम। अब मान लो सीएल टू है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, ठीक है, उसमें से सीएल निकला, मान लो सी एफ टू और सी एल टू है, यूवी लाइट इसके ऊपर पड़ती है, इसमें से क्या निकल गया, एक सी एल निकल गया, फ्री रेडिकल, ठीक है, सी एल डिग्रेड हो। ये सी एल क्या करता है, इस ओजोन के ऊपर काम करेगा और इसको तोड़ देगा ओ टू और ओ में, और ये खुद एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, तोड़ता ही जाता है खुद, खत्म नहीं होगा। सी एल डिग्रेड ओजोन रिलीजिंग मॉलिकुलर ऑक्सीजन विद These atoms acting merely as catalyst. ये एटम सिर्फ एक catalyst की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो कभी खत्म तो होंगे नहीं, तोड़ते जाएंगे। वो खुद भी नेचुरल भी तोड़ रहा है, ये भी आगे तोड़ने लगे, तो तोड़ने की दर बढ़ जाएगी, बनने की दर उतनी ही है, ठीक है। Cl atom are not consumed in the reaction. Cl atom consumed नहीं हो रहे हैं रिएक्शन में, hence whatever chlorofluorocarbons are added to the stratosphere, they have permanent and continuing effect on ozone. Very important. किस तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन हार्म पहुंचा रहे हैं हमारी ओजोन लेयर को, ये एक्ट कर रहे हैं एज अ कैटालिस्ट। कैसे एक्ट कर रहे हैं, एज अ कैटालिस्ट। चलें आगे, ओके। ऑल्दो ओजोन डिप्लीशन, कह रहा है ऑल्दो ओजोन डिप्लीशन इज ऑकरिंग वाइडली इन द स्ट्रेटोस्फीयर, सबसे ज्यादा कहां हो रहा है, स्ट्रेटोस्फीयर में, द डिप्लीशन इज पर्टिकुलरली मार्क्ड ओवर द अंटार्कटिक रीजन, खासकर कहां देखा गया है, अंटार्कटिक रीजन पे देखा गया है। This has resulted in formation of large area of thin ozone layer, commonly called ozone hole. जो ओजोन पतली हो गई है ना, उसको हमने क्या नाम दिया, ओजोन होल, ये नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गई है, पतली हो गई है, ठीक है, ध्यान रखना, खत्म नहीं हुई है, पतली हुई है। ओके, यूवी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन यूवी बी आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय अर्थ एटमोसफियर। यूवी रेडिएशन जो छोटी होती है यूवी बी से, वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है, गिवन डेट ओजोन लेयर इज इंटैक्ट। कंडीशन क्या है, ओजोन लेयर अगर मजबूती से बनी हुई है तो इससे छोटी वाली लेयर सारी एब्जॉर्ब कर ली जाती है, बट यूवीबी डैमेज डीएनए एंड म्यूटेशन में होकर, यूवीबी क्या कर सकती है, डीएनए को डैमेज कर सकती है और म्यूटेशन हो सकता है। इट कॉजेज एजिंग ऑफ स्किन,
ये स्किन की एजिंग बुढ़ापा लेके आती है, झुर्रियां डालेगी स्किन में, डैमेज टू स्किन सेल एंड वेरियस टाइप्स ऑफ स्किन कैंसर। तो यूवीबी के इफेक्ट दे रहे हैं यहां पर। इन ह्यूमन आई कॉर्निया एब्जॉर्ब यूवीबी रेडिएशन एंड हाई डोज ऑफ यूवीबी कॉजेस इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया कॉल्ड स्नो ब्लाइंडनेस, है ना, कैटरैक्ट, आंखों में मोतियाबिंद वगैरह ये सब चीजें भी हो जाती हैं। सच एक्सपोजर में परमानेंटली डैमेज द कॉर्निया और आंख परमानेंटली खराब भी हो सकती है। क्लियर है? तो इसके इफेक्ट देख लिया हमने, यूवी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन यूवी बी, जो यूवी बी से छोटी है। आगे आते हैं क्या क्या इफेक्ट आ गए उसके, यहाँ पे सारे इफेक्ट नोट करेंगे, अच्छे क्वेश्चन है ये। अब क्या कह रहा है, रिकॉग्नाइजिंग द डेलिटोरियस इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन, डेलिटोरियस इफेक्ट उसके जो खतरनाक इफेक्ट है, एंड इंटरनेशनल ट्रीटी, अगेन पूरी कंट्री के लोगों के जो मिनिस्टर्स लोग मिलते हैं, फिर एक मीटिंग करते हैं, फिर सबको एक दूसरे को समझाया जाता है, एक उसे साइन किया जाता है, कुछ ऐसा करें कि हम लोग ओजोन लेयर को बचा पाए। हर बार होता है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा भी है ना, रियो डी जनेरियो में हुआ था एनवायरमेंट को बचाने के लिए। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन को बचाने के लिए हुआ था, वॉज साइंड एट मॉन्ट्रियल कनाडा में इन 1987, इफेक्टिव इन 1989 में हो गया था, टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ओजोन को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंस के ऊपर कंट्रोल करने के लिए सभी कंट्री ने मिलकर एक साइन किया। सब्सिक्वेंटली मैनी मोर एफर्ट्स हैव बीन मेड एंड प्रोटोकॉल हैव लेड डाउन डेफिनेट रोडमार्क, उसके बाद कई सारे एफर्ट्स किए गए और एक इस प्रोटोकॉल को, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को एक रोडमैप दिया गया सेपरेटली फॉर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के लिए इनको एक प्रोटोकॉल, मतलब एक रोडमैप दिया कैसे कैसे इस्तेमाल करना है ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स को, ठीक है ना, उनके लिए एक चीजें निर्धारित कर दी गई फॉर रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई, ठीक है ना? तो ये सब कुछ नहीं चल रहा है, एक तरह का जनरल टॉक है, डाटा है हमारे पास, थोड़ा सा बच्चों को बस समझने में दिक्कत आती है, तो एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, रीड हो जा रही है एनसीईआरटी, समझने में आसान है, केवल फटाफट मेन मेन डाटा को अंडरलाइन करेंगे और याद करना शुरू कर देंगे। क्लियर है? आगे आते हैं, डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस, है ना, इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, हम लोग प्रॉपर यूटिलाइज ना करें, वेस्ट ज्यादा करें, एंड मेंटेनेंस, अगर मेंटेनेंस नहीं है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है, तो उसकी वजह से भी कई बार क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है चीजों में, फालतू में चीजें बर्बाद होती हैं। द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स कैन ऑकर नॉट जस्ट बाय द एक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट बट ऑल्सो बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रैक्टिस, अगर हम लोग प्रॉपर जो चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें वेस्ट ज्यादा करेंगे, इस्तेमाल कम में लेके आएंगे, तो ऑब्वियसली बात है उससे भी वेस्ट बढ़ जाएगा। तो कह रहा है, अब उसमें उदाहरण दे रहा है, सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन, तो ध्यान रखना जरूरी नहीं कि हम चीजों को ताजा ज्यादा इस्तेमाल करें, इम्प्रॉपर यूज करेंगे तो भी दिक्कत है। तो सॉइल का इरोजन होना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सॉइल इरोजन क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाना। इसमें क्या बोल रहा है, द डेवलपमेंट ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल टेक सेंचुरीज, जो सबसे ऊपर की आज एक फर्टाइल सॉइल है ना, जिसमें आराम से पेड़ पौधे उग जाते हैं, टेक सेंचुरीज, सदियां लग गई, बट इट कैन बी रिमूव वेरी इजिली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। सॉइल इरोजन, ऊपर की परत अगर हट जाए तो नीचे की मिट्टी थोड़ा ना उपजाऊ है इतनी। तो कह रहा है ये सब भी रिमूव हो रही है बहुत तेजी से ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, लाइक ओवर कल्टीवेशन, तादाद से ज्यादा फसल के बाद फसल, फसल के बाद फसल लगाए जा रहे हैं खेतों में, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, चारा चढ़ा मतलब है ना, जानवर चर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, जंगल पर जंगल काटे जा रहे हैं, पुअर इरीगेशन प्रैक्टिस, प्रॉपर इरीगेशन नहीं हो रही, सिंचाई नहीं हो रही है, रिजल्टिंग इन एरिड पैचेस, जब प्रॉपर सिंचाई नहीं होगी तो है ना, एरिड पैचेस, सूखा आ जाएगा, पैच बन जाते हैं जहां पे अब फसल हो ही नहीं सकती है, एरिड पैचेस ऑफ लैंड, बंजर भूमि होने लगती है। व्हेन लार्ज बैरन पैचेस, जब बड़े बंजर भूमि के पैच बन जाते हैं, एक्सटेंड एंड मीट ओवर टाइम, बड़े बड़े पैच बनते चले जाते हैं और समय के साथ वो सारे पैच जब आपस में मिलते हैं, अ डेजर्ट इज क्रिएटेड, डेजर्ट क्रिएट हो जाएगा बहुत बड़े लेवल पे, सदियां लग जाती है, नो डाउट, ठीक है। इंटरनेशनली इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड दैट डेजर्टिफिकेशन इज मेजर प्रॉब्लम नाउडेज, इंटरनेशनली इसको जाना गया है कि डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट का बनना आज के टाइम पे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, पर्टिकुलरली ड्यू टू इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन, है ना, शहरीकरण होने की वजह से, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण। ओके, वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी, तो किस तरह सॉइल इरोजन डेजर्टिफिकेशन को न्योता दे रहा है, अब देखते हैं वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। वाटर लॉगिंग मतलब कहीं पे पानी का इकट्ठा हो जाना, और सॉइल सैलिनिटी सॉइल की सॉल्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाना। इरीगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर
अगर हम इरिगेशन कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं और वहां से पानी को निकलने का पर्याप्त साधन नहीं है, पैदला खेतों में पानी भर गया, लीड्स टू वाटर लॉगिंग। इससे क्या होगा, वाटर लॉग हो जाएगा, पानी भर जाएगा खेतों में या मिट्टी के ऊपर। बिसाइड्स अफेक्टिंग द क्रॉप, फसल को अफेक्ट करने के अलावा वाटर लॉगिंग ड्रॉ साल्ट टू द सरफेस ऑफ द सॉइल। मिट्टी के नीचे का सॉल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा। द सॉल्ट देन इज डिपॉजिटेड एज अ थिन क्रस्ट ऑन द लैंड। जो लैंड होगा ना उसके ऊपर जो सॉल्ट होगी वो कुछ डिपॉजिट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है ना, समझते हैं ना। वाटर लॉगिंग, पानी भरा, क्रॉप तो खराब हो ही रही है, सारा सॉल्ट निकल के ऊपर आ गया, वो जो हमारी सॉइल है उसके ऊपर एक परत बना लेती है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, और स्टार्ट कलेक्टिंग एट द रूट्स ऑफ द प्लांट, और जो रूट्स है प्लांट के उसके आसपास कलेक्ट होना इकट्ठे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी। दिस इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट, ये जो सॉल्ट कंटेंट इंक्रीज कर गया है, इज इनिमिकल टू द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड इज एक्सट्रीमली डैमेजिंग टू द एग्रीकल्चर। इनिमिकल ठीक नहीं है, ठीक है ना, प्लांटिंग ग्रोथ के लिए, और डैमेज करेगी किसको, एग्रीकल्चर को। वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी आर सम ऑफ द प्रॉब्लम डेट हैव केम इन द वेक ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है ना। क्यों ऐसा आ रहा है, ग्रीन रिवोल्यूशन, लोग पानी ज़्यादा देते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह ज़्यादा छिड़क रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये किसकी वजह से आ रही है, तो ध्यान रखना ये ग्रीन रिवोल्यूशन का इफेक्ट है। किसका इफेक्ट है, ग्रीन रिवोल्यूशन का। क्लियर होगी बातें। नाउ आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारे पास क्या, डीफॉरेस्टेशन। तो डीफॉरेस्टेशन मेरे ख्याल से सबको पता है, पेड़ों को कटना, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ इसको लेके भी कुछ कहानियां हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां हैं जंगलों को बचाने को लेकर के। आओ समझते हैं, डिफॉरेस्टेशन इज द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरिया टू नॉन फॉरेस्टेड वन। ऑब्वियसली पेड़ काट देंगे तो फॉरेस्ट से बिना फॉरेस्ट का हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट ऑलमोस्ट 40% फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन द ट्रॉपिक्स, ठीक है ना, 40% फॉरेस्ट लॉस्ट हो चुके हैं इन द ट्रॉपिक। ट्रॉपिक्स पता ना मैंने बताया था, ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन, कंपेयर टू ओनली 1% इन द टेम्परेट रीजन। ट्रॉपिकल रीजन के जंगल ज़्यादा कट गए हैं कंपेयर टू टेम्परेट रीजन के, कहीं ना कहीं एक तरह से डाटा है हमारे पास। द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ डीफॉरेस्टेशन इज पर्टिकुलरली ग्रिम इन इंडिया, काफ़ी ग्रिम है ना, दुखदायक है। एट द बिगनिंग ऑफ द 20th century फॉरेस्ट कवर अबाउट 30% ऑफ द लैंड। 20th century की शुरुआत में फॉरेस्ट ने लगभग 30% लैंड को कवर किया हुआ था। By the end of 20th century, it shrunk to 21.54%. तो सुकड़ के केवल इतना रह गया, बाकी सब कट गया। Whereas the National Forest Policy 1998, मार्क करेंगे इसको, of India has recommended 33% forest cover for the plains and 67% for the hill. इस पॉलिसी में कहा गया है कि लैंड पे कम से कम कितना रहेगा, 33%, और पहाड़ी इलाकों में 67%। क्लियर है, उससे भी ज़्यादा ये काट दिया गया है। How does deforestation occur? कैसे होता है? A number of human activity, obviously बात है, इंसानी हरकतें हैं सारी, contribute to it. One of the major reason is the conversion of forest to agricultural land. हम लोग खेती के लिए जंगलों को काटते हैं so as to feed the growing human population, जिससे कि जो human population बढ़ रही है उसके लिए फसलें तैयार कर सके। Trees are asked for timber, firewood, cattle ranching and for several other purpose. Trees को क्यों काटा जा रहा है, टिम्बर के लिए, लकड़ियों के लिए ना, फर्नीचर के लिए, फायरवुड जलाने के लिए, ठीक है, कैटल रेंचिंग है, और बहुत सारे पर्पज हैं जिसके लिए हम लोग ट्री को काटते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये एक तरह का एग्रीकल्चर है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड है झूम कल्टीवेशन, ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसको हम क्या कहते हैं, झूम कल्टीवेशन। ये सबसे ज़्यादा ये एक तरह से कहते हैं बेकार टाइप का, इसमें सबसे ज़्यादा जंगल कटता है। क्या होता है, इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू डिफॉरेस्टेशन इन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। द फार्मर्स कट डाउन द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट एंड बर्न द प्लांट रिमेन्स, और जो प्लांट के रिमेन्स होते हैं उनको जला देते हैं, ठीक है। द एश इज यूज एज अ फर्टिलाइजर, जो जली हुई चीज होती है उनको फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एंड द लैंड इज देन यूज फॉर फार्मिंग और कैटल ग्रेजिंग, फार्मिंग के लिए और चरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आफ्टर कल्टीवेशन द एरिया इज लेफ्ट फॉर सेवरल ईयर सो एज टू अलाउ इट्स रिकवरी। अब उसके बाद उस एरिया को छोड़ दिया, आगे बढ़ गए, आएगा जंगल काटना स्टार्ट कर दिया, ये एरिया अपने आप क्या होगा, जंगल में बदलेगा। पहले की बात अलग थी, पॉपुलेशन बहुत कम थी, अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जंगल उतना तेजी से रिकवर नहीं कर पाता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है,
द फार्मर्स देन मूव ऑन टू द अदर एरियाज एंड रिपीट दिस प्रोसेस. फिर फार्मर आगे बढ़ जाते हैं, सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं, जंगल जंगल काट रहे हैं. इन अर्लियर डेज व्हेन जूम कल्टीवेशन वॉज इन प्रीवेलेंस, इनफ टाइम गैप वॉज गिवन सो डेट द लैंड रिकवर्ड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ कल्टीवेशन. पहले काफी टाइम दे दिया जाता था कि आराम से जब तक आगे होके आता था आराम से यहाँ पर क्या होता था, जंगल वापस से बनके तैयार हो जाता था. विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड रिपीटेड कल्टीवेशन दिस रिकवरी फेज इज डन अवे विद, रिजल्टिंग इन डिफॉरेस्टेशन. तो जो रिकवरी फेज है वो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है, कम हो गया, यानी कि हम उसे रिकवर होने का टाइम ही नहीं देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, डिफॉरेस्टेशन. अब जहाँ कट गया वहाँ कट गया, द्वारा खेती मतलब होने लायक उसको जंगल बनने की हम लोग मौका ही नहीं देते हैं. क्लियर है? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के परिणाम क्या होंगे? वन ऑफ द मेजर इफेक्ट इज इनहेंस्ड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, सबको पता है ना, CO2 बढ़ जाएगा इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ट्रीज डेट कुड होल्ड अ लॉट ऑफ कार्बन इन देयर बायोमास आर लॉस्ट विद डिफॉरेस्टेशन, है ना. CO2 क्या करते हैं, फिक्स करते हैं बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट, है ना, सिंपल सिंपल बातें. डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो कॉज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऑब्वियसली बात है, पढ़ा हमने पिछले चैप्टर में, जंगल अगर खत्म होंगे तो बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होगा ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, डिस्टर्ब हाइड्रोजेनिक साइकिल, हाइड्रोलॉजिक साइकिल, कॉजेज सॉइल इरोजन एंड मे लीड टू डेजर्टिफिकेशन इन एक्सट्रीम केसेस. तो ये उसके साइड इफेक्ट हैं किसके, डिफॉरेस्टेशन के. हम मार्क करके लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हैं. बायोडाइवर्सिटी लॉस पीछे पड़ चुके हैं, डिस्टर्ब हाइड्रोलॉजिक साइकिल, कॉज सॉइल इरोजन एंड मे लीड टू डेजर्टिफिकेशन, यानी कि अल्टीमेटली क्या होगा, डेजर्ट बन जाएगा, ठीक है, एक्सट्रीम केस में फाइनली वहां पर बालू बालू रह जाएगी, मिट्टी मिट्टी रह जाएगी और डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ रिफॉरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग द फॉरेस्ट, वापस से पेड़ लगाएंगे और जंगल बनाएंगे, डेट इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन डेट वंस एग्जिस्टेड बट वॉज रिमूव एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम इन द पास्ट. कह रहा है वापस से रिस्टोर करेंगे फॉरेस्ट जो पहले कभी हुआ करता था, ठीक है. रिफॉरेस्टेशन में ऑकर नेचुरली, नेचुरल भी हो सकता है इन अ डिफॉरेस्टेड एरिया, हाउ एवर वी कैन स्पीड इट अप, हम लोग इसको स्पीड कर, इसकी रफ्तार बढ़ा सकते हैं रिफॉरेस्टेशन की, बाय प्लांटिंग ट्रीज विद ड्यू कंसिडरेशन टू बायोडाइवर्सिटी डेट अर्लियर एग्जिस्टेड इन दैट एरिया, ठीक है ना. हम ऐसे प्लांट पौधे लगाएंगे पुरानी वाली बायोडाइवर्सिटी को देखते हुए जिससे कि वो जल्दी से, और मान लो यहाँ पौधे कुछ और उगते थे, लगा कुछ और रहे हैं, तो वो जल्दी नहीं उगेंगे. इसी क्लाइमेट वाले, उसी वाले लगाएंगे तो जल्दी ग्रो करेंगे और क्या होगा, जल्दी से जंगल बन के तैयार हो जाएगा. अब यहाँ पे भी केस स्टडी है, आओ देखें क्या बोल रहा है. केस स्टडी ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, उनकी केस स्टडी है जिन्होंने जंगल को बचाने के लिए कुछ काम किया. तो पीपल्स पार्टिसिपेशन हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया, पीपल्स का रोल काफ़ी पुराना है हमारे इंडिया में. इन 1731, देखो बहुत पुरानी बात है ये, द किंग ऑफ जोधपुर इन राजस्थान आस्क्ड वन ऑफ हिज मिनिस्टर टू अरेंज वुड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू पैलेस, कहा गया कि लकड़ी काट के लाओ नया महल बनाएंगे. द मिनिस्टर एंड वर्कर वेंट टू अ फॉरेस्ट, मिनिस्टर और कुछ वर्कर कहाँ गए, फॉरेस्ट में गए जो पास के विलेज में था. इन्वाइटेड बाय बिश्नोईस, जो वहाँ के निवासी थे उनको बिश्नोईस कहा जाता था, टू कट डाउन ट्रीज, ठीक है. द बिश्नोई कम्युनिटी इज नोन एज नोन फॉर इट्स पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद नेचर, बिश्नोईस जाने जाते हैं कि नेचर के साथ ये पीसफुल तरीके से रहते हैं, मतलब कुदरत के साथ रहना पसंद करते हैं. द एफर्ट टू कट डाउन ट्री बाय किंग वॉज थॉटेड बाय द बिश्नोईस, थॉटेड मतलब मना कर दिया गया, बिश्नोई ने कहा नहीं हम काटने नहीं देंगे. अब बिश्नोई वुमन अमृता देवी, उनमें से एक औरत थी अमृता देवी, शोड एग्जाम्पलरी करेज, उसने बहुत जबरदस्त हिम्मत दिखाई बाय हगिंग अ ट्री, ट्री को पकड़ लिया और कहा डेरिंग किंग्समैन टू कट हर फर्स्ट बिफोर कटिंग द ट्री, और कहा हिम्मत है तो पहले मुझे काटो फिर पेड़ काटो. द ट्री मैटर्ड मच मोर देन हर देन हर ओन लाइफ, ट्री की जिंदगी ज्यादा कीमती है उसकी लाइफ से, ऐसा उसने कहा. सैडली द किंग्स मैन डिड नॉट हीड टू हर प्लीज एंड कट डाउन द ट्री अलॉन्ग विद अमृता, भाई वो तो क्या है राजा का आदमी है ना, तो उसने कहा क्या फर्क पड़ता है एक मर जाएगा, तो उसने काट दिया, उसको भी काटा पेड़ भी काट दिया, ठीक है. हर थ्री डॉटर एंड हंड्रेड्स ऑफ अदर बिजनेस फॉलोड हर, उसकी तीन बेटियां थी और अदर बिजनेस में वो सब फॉलो किया एंड दस लॉस्ट देयर लाइफ सेविंग ट्रीज, ट्रीज को बचाते हुए अपनी जान उन्होंने गवा दी. नाउ हियर इन हिस्ट्री डू वी फाइंड अ कमिटमेंट ऑफ दिस मैग्नीट्यूड व्हेन ह्यूमन बीइंग सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द कॉज ऑफ द एनवायरनमेंट. तो कह रहा है कि नाउ हेयर इन हिस्ट्री, हम यहाँ हिस्ट्री में पाते हैं कमिटमेंट, किस तरीके से पेड़ को बचाने के लिए ह्यूमन बीइंग ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है.
अब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इंस्टीट्यूटेड द अमृता देवी विश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड. अब उसने योगदान दिया था वहां से, फिर काफी बड़ा एक आंदोलन टाइप का था, ठीक है, तो उनके नाम के नाम से अब एक अवार्ड इन्होंने दे दिया है, किसने, गवर्नमेंट ने, फॉर इंडिविजुअल हु इंडिविजुअल और कम्युनिटीज फॉर रूरल एरियाज दैट हैव शोन एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज एंड डेडिकेशन इन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ. एक अवार्ड तैयार कर दिया जो लोग उनको दिया जाता है जो कि जंगलों को बचाने में एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज हिम्मत दिखाते हैं, ठीक है, ओके. एक तो ये हो गया अमृता देवी वाली. अब एक होगा चिपको मूवमेंट, सुना होगा सब लोगों ने, सबने सुना होगा चिपको मूवमेंट, पहले भी 9th या 10th क्लास में है इसके बारे में जिक्र. यू मे हैव हर्ड द चिपको मूवमेंट ऑफ गढ़वाल हिमालय, कहां पे हुआ था ये, इन 1974 लोकल वुमेन शोड इनॉर्मस ब्रेवरी इन प्रोटेक्टिंग ट्रीज फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर बाय हगिंग देम. कॉन्ट्रैक्टर जो काटने आए थे पेड़ों को, सेम इन्होंने वही काम किया, ट्री को पकड़ लिया कि काटो, पहले हमें काटो फिर पेड़ काटो, ठीक है. पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्लेम्ड द चिपको मूवमेंट, सब ने इसकी तारीफ की, ठीक है, पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हुई. रियलाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टिसिपेशन बाय लोकल कम्युनिटी, जब ये रियलाइज हुआ कि जो लोकल लोग हैं उनको जंगलों से ज्यादा प्यार है ना, वही तो रोकते हैं, शहर से कौन आता है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1980 हैज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, उन्होंने कहा एक ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट चलाते हैं लोकल लोगों के साथ, क्योंकि वो गद्दारी नहीं करेंगे, उनको तो पेड़ बचाना है अपना, ठीक है. सो एज टू वर्क क्लोजली विद द लोकल कम्युनिटी फॉर प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग फॉरेस्ट, जिससे कि टीम बनाई गई जो लोकल लोगों के साथ मिलकर के जंगल को बचाने का काम किया जाएगा. इन रिटर्न फॉर देयर सर्विसेज टू द फॉरेस्ट द कम्युनिटीज गेट बेनिफिट ऑफ वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक फ्रूट गम रबर मेडिसिन एक्सेट्रा, है ना, वो उसको बचाते तो बदले में उनको जंगल से मिल भी तो रहा काफी कुछ. एंड दस द फॉरेस्ट कैन बी कंजर्व इन अ सस्टेनेबल मैनर. तो ये सारा जो चैप्टर था कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को लेके था, एनवायरमेंटल इशूज, है ना, एनवायरनमेंट को लेके कुछ इशूज थे. हर लेवल पे हमने इसको स्टडी किया. फिर कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा रिसर्च में मत जाना, पता चले जा रहे हो JFM क्या है, कब इस्टेब्लिश हुआ, किसने क्या किया, कौन इसका मेंबर है, कुछ नहीं. नीट देना है हमें, ठीक है ना, एम्स जिपमर वाली चीज़ें नहीं चल रही हैं कि किसी की बाल की खाल निकाल के पढ़ो. डाटा है, डाटा को हमें याद रखना है कब क्या हुआ था, ठीक है, वही डाटा हमारे पास क्या है, एग्जाम में आता है. क्लियर है? तो क्या करोगे, सारा डाटा निकाल के एक तरफ करोगे और बार बार क्या करना है, रिवाइज करोगे, क्योंकि रिवाइज करोगे तो सिलेक्शन मिलेगा, यानी कि रिवीजन ही है सिलेक्शन. क्लियर है बातें? ऑल द बेस्ट.